सिकर सलूक की महफिलों में जाने का इत्तेफाक हुआ तो देखा कि कुछ लोग बहुत पुराने तजुर्बेकार होते हैं, वो मौके तलाश कर लेते हैं, बोले देख लेते हैं कहीं, और मस्जिद में प्रोग्राम चलता रहता है, उतना आराम करते रहते हैं। तजुर्बे आदमी को चौकन्ना करते हैं, नज़र रखो। और मुंतजिम साहब से, मौलाना मुफ्ती उबैद साहब से भी कहा गया है कि इधर उधर रूम में सिर्फ तलबा रहे, ये मेहमानों में से कोई ना रहे, क्योंकि भाई हम लोग आए हैं काम करने के वास्ते, हम भी काम छोड़ के आए हैं, ज़रूरी ज़रूरी काम है, आप भी काम छोड़ के आए अपने अपने, तो फिर कहीं नफ्स को हमें नुकसान पहुंचाने का मौका ना मिल जाए, चौकन्ना रहना चाहिए, बहुत होशियार। सूर्य वाकया की तिलावत का अहतमाम करने से अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत अता फरमाते हैं। बहुत से लोग हैं जो रोज़ी का रोना रोते हैं मगर करना कुछ भी नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा तावीज़ मिल जाए जिसे ले जाके घर में कहीं दबा दिया जाए तो बस आसमान से रोज़ी आना शुरू हो जाए। तो कुछ करना चाहिए भाई, तिलावत करो, सूर्य वाकया की तिलावत करो, इससे बरकत होगी और यकीन भी होना चाहिए, होते थे। और बाद रिवायात में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, उनसे इंतकाल के वक्त कहा गया कि आपके बेटियों के लिए आपने क्या इंतज़ाम किया है, तो उन्होंने फरमाया मेरी बेटियों को मैंने सूर्य वाकया सुना दी, याद करा दी है, और वो पढ़ती हैं अहतमाम से, उनकी रोज़ी अल्लाह उनको अता फरमाएगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ये यकीन वाली बात है, हर आदमी ये ना करे कि भाई सूर्य वाकया दिला दे और बाल बच्चों के लिए कुछ ना करे, ऐसा तो नहीं है, ये उनके यकीन की बात है, आला दर्जे का यकीन साहब कराम को हासिल था। हमें तो ये याद भी कराना चाहिए, अल्लाह जो भला करने की तौफीक दे दे वो भला भी करना चाहिए, अपनी औलाद के साथ उसका भी इंतज़ाम करना चाहिए। सवाल तो ज़्यादा वो पूछने चाहिए सुबह वाली महफिल से मुताल्लिक, क्योंकि सुबह में हमने आपको दो नशिस्तों में 10 और उसको 12 में तकसीम करके 12 उमूर बयान की। अब ये 12 उमूर से मुताल्लिक कहा गया था कि आप लोगों को जो बात समझ में नहीं आई या जो पूछना है या जो जानना चाहते हैं उसको नोट करके जमा करा दो ताकि हम उस पर बात करें। तो ये जो मजलिस है उन दो मजलिसों का ततिमा और तकमीला है जी। लेकिन अब वो आम तौर से दूसरे सवाल आते हैं जिनका ताल्लुक मौजू से नहीं होता, तो बाद में टाइम मिलेगा तो देखेंगे। बाद ऐसे मसाइल हैं कि भाई वो इतने उलमा यहाँ साथ में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी आलिम से पूछ लो वो समझा देगा। सवाल अद्दीन युसरुन कहा गया, फिर मंजिल अल्लाह की ज़ात और उसकी रिजा को बाद में इतनी मशक्क़तें क्यों, जैसा कि सुबह में आपने कहा कि रास्ता आसान नहीं है। जी,
तो दीन को आसान कहा गया है, अद्दीन युसरन, बेशक हदीस में भी है और कुरान करीम में भी है कि मा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन में तंगी नहीं रखी। और युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ सहूलत का इरादा किया, सख्ती का और तंगी का इरादा नहीं किया अल्लाह ताला ने। तो ये सब बातें सही हैं, कुरान भी सही कह रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सही कह रहे हैं, लेकिन आसान होने का क्या मतलब है इसको समझने की ज़रूरत है। आसान होने का अगर ये मतलब है कि हम करेंगे कुछ भी नहीं और ख़ुद से दीन मिल जाएगा, तो ये तो दुनिया में कोई अक्लमंद इसको मान नहीं सकता, तस्लीम नहीं कर सकता। आसान होने का मतलब ये है कि अमल और इख्तियार करने, अमल करने और इख्तियार करने के एतबार से अल्लाह ताला ने आसान बनाया है। कोई भी आदमी, एक इंसान, अगर दीन जितना भी हमारे लिए दिया गया है इस दीन को इख्तियार करना चाहे तो उसके लिए नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन जिस चीज़ को भी हम इख्तियार करें उसमें अपने अपनी हिम्मत और अपनी अपनी जुरत के एतबार से आसान और मुश्किल दिखने का मसला है कि हमें मुश्किल नज़र आता है, मुश्किल नज़र आता है लेकिन है आसान। कोई आदमी अमल करके देखे तो उसको लगेगा कि आसान है दीन, कुछ भी मुश्किल नहीं। जो लोग माशाल्लाह से बड़े एहतमाम से बहुत दीन पे चलते हैं, बड़ी बड़ी बारीक बातों का लिहाज रखते हुए दीन पे चलते हैं, वो लोग खुद भी कह रहे हैं कि भाई दीन कोई मुश्किल तो नहीं है, दीन आसान है। अब मैंने जो कहा कि ये कोई आसान काम नहीं है, खेल नहीं है, बड़ा मुश्किल रास्ता है, तो इसका मतलब ये है कि हम गफलत के साथ इसको हल नहीं कर सकते। आदमी काहिल है और सुस्त है और वे समझ रहा है कि मुश्किल है, तो वो हमारी निस्बत से मुश्किल है। लेकिन दीन के ज़ात में अल्लाह ने जो उसकी खसूसियत रखी है उसके एतबार से वो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, आसान है। उसी को फरमाया अद्दीन युसर, दीन बहुत आसान है। खामोखान की मशक्क़तें और मुजाहिदे यहूद करते थे, नसारा करते थे, और आज भी जोगी योगी पंडित किस्म के लोग जो बड़े बड़े अचंभों के और बड़े बड़े चमत्कार के दावे करते हैं, वो बड़े सख्त किस्म के मुजाहिदात करते हैं, अपने नफ्स पे जुल्म करते हैं, इतने मुजाहिदात करते हैं। उससे कंपेयर करके दिखाया गया है कि दीन युसर, अल्लाह ने जो तुम्हें दीन दिया है वो ऐसी मुसीबतों का नाम नहीं है कि साहब आप जो है दिन भर ठीक सूरज के सामने धूप में खड़े रहिए, एक टांग उठा दे एक टांग पे खड़े रहिए शाम तक जब तक के सूरज डूब ना जाए, अब पूरी सर्दी की ठंडी रातों में जा कर के आप पानी के अंदर रात तमाम गुजारिए, उसके अंदर रहिए, अब खाना पीना छोड़ दीजिए, तर्क लज्जात कर दीजिए, तर्क शहवात कर दीजिए। ये जो योगियों में, जोगियों में, यहूदियों में, ईसाइयों में मुजाहदात हैं, ये खुद साख्ता मुजाहदात मुश्किल हैं। और अल्लाह ने जो मुजाहिदा दिया, पांच वक्त नमाज पढ़ो, नेकी का काम करो, बदी का काम मत करो, गुनाह से बचो, तो वो मुजाहिदों और इस मुजाहिदे के साथ आप दोनों को मिला के देखेंगे तो आपका ज़मीर खुद कहेगा अद्दीन युसर, दीन इस्लाम तो भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है दीन इस्लाम। लेकिन हमारी गफलत और हमारी बेपरवाही के एतबार से देखा जाए तो हमारे लिए ये मुश्किल काम है। तो मुश्किल है तो इसका यह मतलब नहीं होता कि जो मुश्किल है उसको हम छोड़ देंगे, मुश्किल को नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि देखो आसान काम नहीं है, तो खुदा का रास्ता आसान नहीं है, तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि आपको ये बताया जा रहा हो कि आप नहीं कर सकते, ये नहीं, सब कर सकते हैं। अल्लाह का रास्ता मुश्किल है, अल्लाह का रास्ता मुश्किल नहीं है, ये दोनों में फ़र्क यह है, करने के एतबार से मुश्किल नहीं है और गफलत के एतबार से मुश्किल है। गाफिल नहीं कर सकता, गाफिल चूक जाएगा, छोड़ देगा रास्ते में से,
इसलिए सुस्ती काहली से नहीं काम बनेगा भाई, काम तो बनेगा चुस्ती से, चौकन्ना रहने से, मुतयक्किज़ और बेदार रहने से काम चलेगा, ये मतलब है। इसी को अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कुरान मजीद में, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यक्तिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुलज़िलू, इतना अल्लाह ताला फरमा रहा है ऐसे जन्नत में चले जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे, हम तुमको आजमाएंगे, तुम्हारी साबित कदमी को आजमाएंगे, तुम्हारी पाबंदी को आजमाएंगे, तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने के जज्बे को आजमाएंगे, और आजमाएंगे, इस आजमाइश में कामयाब जो होगा वो जाएगा जन्नत में, ऐसे थोड़ी चला जाएगा। तो ये मतलब है, दीन आसान है का ये मतलब तो नहीं है कि घर में पड़े सोते रहो, ये नहीं मतलब, करेंगे आप, करने के लिए मुश्किल उठानी पड़ेगी, मशक्कत उठानी पड़ेगी, मुजाहदा तो इसी का नाम है ना, वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अच्छाई के मुकाबले में बुराई का असर बहुत जल्द होता है, ऐसा क्यों? जबकि हम यहाँ पाबंदी से जिक्र अज़कार भी करते हैं, लेकिन बुराई की तरफ सिर्फ एक नज़र करने से दिल उसी की तरफ मायल होता है, ऐसा क्यों? बुराई में अल्लाह ताला ने कशिश रखी है, और अल्लाह ताला ने बुराइयों को नफ्स के लिए खूबसूरत बना दिया है। कुरान मजीद में फरमाया गया है, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ। तो अब अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि ज़ुय्यिना लिन्नास, लोगों के लिए मुज़य्यन कर दिए गए, खूबसूरत बना दी गई है, बना दी गई है, है नहीं अपनी ज़ात में, बना दी गई है, क्योंकि आप दारुल इम्तिहान में हैं, आपको आजमाना है, आजमाने के वास्ते बना दी गई है, और अपनी ज़ात में इनमें कोई जमाल नहीं है, इनमें कोई खूबसूरती नहीं है, इसमें तो सूजिश है, जलन है, घुटन है, और टेंशन है, सब मुसीबतें इसी में हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको खूबसूरत बना दिया लोगों के वास्ते। क्या हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीन, औरतों की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, और सोने चांदी और सीम ज़र की मोहब्बत, अल्लाह ने ये सब मोहब्बतें तुम्हारे लिए खूबसूरत बना दी है, डाल दी है, दिल इधर झुकता है, दिल का मैलान होता है इन चीज़ों की तरफ, और फिर हुक्म दिया गया है कि भाई इन चीज़ों में अगर तुम मैलान करते हो तो जायज़ हद तक, हलाल हद तक, मुनासिब हद तक, तो हम तुमको नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन उससे आगे बढ़ोगे तो तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, इससे आगे बढ़ोगे तो पकड़े जाओगे फिर। वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़सा, जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ेगा, जितना ताल्लुक रखना चाहिए मा सिवल्लाह से उतना रखो तो कोई हरज नहीं, उससे आगे बढ़ जाओगे तो फिर अपने आप पे जुल्म करोगे, इसलिए कि उसका अंजाम अल्लाह की पकड़ की सूरत में जाहिर होगा, उसके इताब इकाब और अजाब की शक्ल में जाहिर होगा, और उसके जिम्मेदार तुम खुद बनोगे, अल्लाह नहीं बनेगा। इसलिए ये नफ्स, नफ्स की आजमाइश है कि अल्लाह ने नफ्स को उधर झुकने वाला बनाया है इन सब चीज़ों में। अब फिर अल्लाह का शुक्र यह है कि जिन चीज़ों की तरफ नफ्स झुकता है उनमें से अक्सर का कुछ हिस्सा हलाल कर दिया है, ताकि पूरे ही मुजाहदा ना करना पड़े अपने नफ्स का, जैसे गैर मुस्लिमों ने और यहूदियों ने सब टोटल ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं, शादी कभी नहीं करेंगे, हमेशा मुजर्रद रहेंगे, और ये नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, लज्जात नहीं खाएंगे, फुला नहीं खाएंगे, उनका गोश्त नहीं खाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें उन लोगों ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया, कर लिया तो अल्लाह ताला फरमा रहे हमने ऐसा नहीं किया, हमने तो ये किया कि जो तुम्हारे लिए जायज़, हमने जायज़ रखा उसको जो तुम्हारे लिए मुजिर नहीं था, और जो मुजिर था उसी को मना कर दिया, ताकि उसकी मजर्रत भी तुमको ना पहुँचे, और उसी की मुजाहिदे में तुम आजमा जाओ, और उसी में तुम्हारा अल्लाह ताला के यहाँ कामयाब भी हो जाओ। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए जो चीज़ें नफ्स इंसानी को मुनासिब नहीं थी
उसी से मना करके अल्लाह ने आजमा दिया। वरना तो ये भी हो सकता था कि हमको जो चीजें अच्छी थी, मुनासिब थी, सेहत बख्श थी, रूह अफजा थी, उनसे भी रोक देता अल्लाह, तब हमारे लिए मुजाहिदा बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए मुजाहिदे को हल्का कर दिया, हल्का इस तौर पर कर दिया कि जो देना ही नहीं था उसी को मुजाहिदा बना दिया। अब अल्लाह ताला ने बहुत सी लज्जात से रोका या लज्जात के बाज हिस्से से रोका। अब गौर करें, उसमें तदब्बुर करेंगे तो पता चलेगा कि वो जो अल्लाह की मनहियात हैं, ममनूआत हैं, जिन्हें अल्लाह ने हमारे लिए नाजायज और हराम कर दिया है, अगर आप उसमें गौर करेंगे तो उनका हराम होना ही हमारे हक में बेहतर है। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए अच्छी चीजों को मुजाहिदा नहीं दिया, हमारे लिए मुजिर चीजों में मुजाहिदा दे दिया। तो छोड़ दो, तो फायदा का फायदा, और फिर उसी से तुम्हारी कामयाबी। ये और अगर कोई आदमी फिर भी उसमें मुबतला हो, शराब में मुबतला हो तो क्या फायदा है, लेकिन फिर भी शराब की तरफ रुझान होता है तो मुजाहिदा कर लो, और अगर नहीं मुजाहिदा करके मुबतला हुए तो फायदा क्या हुआ, फायदा तो दुनिया का भी कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान है। तो जो शराबी आदमी के अकल पे पर्दा पड़ जाता है, वो अच्छे बुरे की तमीज खो बैठता है, वो अपने माल का नुकसान कर लेता है, वो अपने घर पे झगड़े फितने करता है, वो जिंदगी के सुकून से महरूम हो जाता है। एक चीज इतनी नुकसान दे थी, उसी को मना करके उसी से इम्तिहान कर लिया हमारा, और उसी से आजमाइश, और उसी में जन्नत खुशखबरी दे दी अल्लाह ताला ने। ये मकसद है, ये मसलहत होती है अल्लाह ताला की चीज़ों को मना करने में। अब ये कि अच्छाई के मुकाबले में बुराई का जल्दी असर होता है, तो होता है ना, असर किस पे होना है, असर होना है हमारे नफ्स के ऊपर, और उसको अच्छाई अच्छी लगती नहीं है तो अच्छाई से भागता है, बुराई बहुत अच्छी लगती है। इन्ना नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, उसको बुराई ही अच्छी लगती है, गुनाह ही अच्छा लगता है नफ्स को, तो नफ्स रागिब होता है गुनाह की तरफ। तो हम जब गुनाह सामने आएगा तो जल्दी तकाजा पैदा होगा और जल्दी दिल का मैलान उसकी तरफ होगा, और अगर नेकी सामने आएगी तो जल्दी उसकी तरफ मैलान नहीं होगा। लेकिन मेरे अजीज हो, ये जो हमारा तासुर है ये इब्तदाई तासुर है। कुछ दिन मुजाहदा करो, नफ्स को आदि बनाओ अल्लाह के हुक्मों पे चलने का, और गुनाह के तकाजे से उसको जबरदस्ती रोको, तो वो कमजोर पड़ेगा। जब वो कमजोर पड़ेगा तो आप इसका उल्टा महसूस करोगे भी। अभी जैसा महसूस कर रहे हो कि साहब बदी की तरफ तबीयत जल्दी झुक जाती और नेकी की तरफ जबरदस्ती खींच के लाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, तो अभी अभी जो ये कैफियत है ना हमारी, ये मुब्तदी का हाल है। और जब ये मुजाहदा करते करते मुतवस्सित बन जाएगा, आगे निकल जाएगा, उसका आधे से ज्यादा सफर तय हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह उसका हाल ये हो जाएगा कि उसके ऊपर नेकी जल्दी असर करेगी और बदी का असर कबूल करने के लिए बड़ा मुजाहदा करना पड़ेगा, तो तब जाके मानेगा, वरना मानता भी नहीं होगा उसका उसका मन बुराई करने में। ऐसा वक्त आता है, हो जाती कैफियत बदल जाती पूरी उलट, लेकिन तब भी 100% नहीं होता। 100% हो जाए तो इम्तिहान ही कहाँ बाकी रहेगा, इम्तिहान ही खत्म हो जाएगा। इसलिए 100% नहीं होगा, बुराई की तरफ रुझान, बुराई की तरफ झुकाव फितरत में अल्लाह ने रखा है, क्योंकि इम्तिहान है ये दुनिया, आजमाइश है। अब ये किसी के जहन में आ सकता है कि अल्लाह ताला बगैर आजमाए भी जन्नत दे सकता था, तो काय को आजमाना चाहता है हम लोगों को। तो अब ये तो अगर ऐसे हम मफरूज़े कायम करें तो फिर ये भी हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला को इस दुनिया में भेजने की क्या ज़रूरत थी, वो आदम अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी को जन्नत में भेजे थे, वहीं पर इंसानों को बसा देते, वहीं ख़त्म कर देते किस्सा, तो सवाल ऐसे कायम होते चले जाएंगे। तो भाई इसका कोई जवाब है क्या, इसका कोई जवाब नहीं। एक मालिक ने अपने बंदों को बहुत कुछ अता करने का इरादा फरमाया है और उसके लिए थोड़े इम्तिहान को शर्त रखा है, वो थोड़ा इम्तिहान ये ज़िंदगी है,
और इसमें हलाल और हराम के हुदूद और कयूद है, बस यही और कुछ नहीं। इस छोटी सी आजमाइश पर बहुत बड़ी कामयाबी का वादा फरमाया गया है। बंदगाही करने का इरादा ना करना, इसकी वजाहत मत दीजिए। ये असल में हजरत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का मल्फूज है और वो बहुत पुरानी जुबान में है, पुरानी उर्दू में है, वो तो समझ में आएगी नहीं। अलबत्ता ये है कि जो बात मैंने बताई थी दोपहर में वो ये कि जब आदमी बाहर निकल रहा हो या किसी भी ऐसी जगह पे जा रहा हो जहाँ बदनिगाही का इम्कान है, ऐसा होता है जैसे ऑफिस में जा रहा हो या सरकारी मुलाजिम है अपने दफ्तर में जा रहा हो या इसी तरीके से कारखाना है, कंपनी है, शोरूम है, जहाँ पर उसके लिए इम्कानात है, इन जगहों पे होते हैं। कभी घरों में भी होते हैं इम्कानात, जहाँ कंबाइंड फैमिली होती है और मुश्तरका ख़ानदान एक साथ रहते करते हैं, तो वहाँ पर भी इसका इम्कान होता है कि आदमी से बदनिगाही हो जाए, इसका इम्कान रहता है। तो जहाँ भी हम ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहाँ इम्कान है नज़र की खराबी का, बदनिगाही का इम्कान मौजूद होता है, तो ये फरमा रहे हैं कि आदमी का ये सोच लेना कि भाई मेरा इरादा नहीं है, मैं बदनिगाही करने के इरादे से थोड़ी जा रहा हूँ, तो इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि बाकायदा तौर पर तय करके निकलना कि मुझे बदनिगाही के मौके में बदनिगाही नहीं करनी है, ये तय करके निकलना। एक है कि बदनिगाही के इरादे से जाना, तो कौन मुसलमान इस इरादे से निकलेगा भाई, शायद ही कोई खबीस ऐसा होगा जो इस इरादे से निकलेगा। कोई भी मुसलमान आम तौर से ये इरादा करके तो नहीं जा रहा है कि साहब मैं इसलिए ऑफिस को जा रहा हूँ कि जितनी लड़कियाँ नजर आएंगी और जितना कस्टमर आएगा सबको देखूंगा, इस इरादे से तो कोई नहीं जा रहा, और ये इरादा नहीं है। तो बदनिगाही करने का इरादा न होना मकसद को हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं है जी, नहीं, बल्कि बदनिगाही ना करने का इरादा करना, बाकायदा तौर पर करना, ये ज़रूरी है। तो जब भी हम चलें कहीं या किसी ऐसी जगह में दाखिल हो रहे हों तो जहन में कुछ भी नहीं है तो इससे काम नहीं चलेगा। जहन में एक चीज़ लाओ, जानबूझ के लाओ एक चीज़, वो क्या लाओ कि कोई मौका ऐसा आ जाएगा तो मैं हरगिज़ बदनिगाही नहीं करूँगा। चूँकि अगर ये नीयत करेगा, ये इरादा करेगा, तब ही बच सकेगा, ये इरादा एक ताकत बन जाएगा और इस ताकत से बच सकेगा। बाद में सोचेगा, बाद में कहेगा अरे भाई मेरा इरादा तो नहीं था मगर ऐसा हो गया, मेरा इरादा तो नहीं था मगर बदनिगाही हो गई, मैं नहीं चाह रहा था मगर बेपर्दगी हो गई। ये जो बाद के पछतावे हैं ये उस शख्स को नहीं होंगे जो पहले बाकायदा नियत करे कि मुझे नई बेपर्दगी करनी है, मुझे नहीं करना है बदनिगाही। जो इसको तय करके निकलेगा उसे बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से इरादे में है और इरादा उसको मजबूत रखा हुआ है। इस वजह से ये फर्क बताए, इस फर्क का फायदा है। तरीब के सिलसिले में कोई सवाल जहन में नहीं आता, जो आप बता दें उस पर दिल मुतमईन हो जाता है। तो सवाल का जहन में ना आना क्या है, नक्स की अलामत है या कम इल्मी की अलामत है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बाज़ दफ़े आलिम आदमी होता है, उस आलिम आदमी को भी कोई बात की तरफ ध्यान नहीं जाता, और बाज़ दफ़े ये होता है कि इल्म तो अपने पास मौजूद है, अब जो बातें जहन में नहीं थी या समझ में नहीं आई थी वो बताने से समझ में आ गई, तो अब मज़ीद क्या उसको इश्काल होगा, उसे कोई इश्काल नहीं होगा। तो इस वजह से बसा औक़ात उलमा की मजलिसों में और मशायख की मजलिसों में हमारे जहन में आने वाली बातों का जवाब खुद ब खुद आ जाता है,
जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सोच रही था कि ये पूछूंगा, लेकिन मुझे पहले ही बात आ गई, समझ में आ गया। यही है कि दूसरे ने सवाल कर लिया हो, सबकी समझ में आ गया, किसी और को भी खटक थी, किसी और के भी पूछने का इरादा था, लेकिन किसी और ने पूछ लिया और उसकी समझ में आ गया। कभी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो बात पंजाबी बिल्ला हो गई उसी में हमारे इश्कालात रफा होते चले जाते हैं, ख़त्म होते चले जाते हैं। तो ये कोई कमज़ोरी की बात तो नहीं है, और हर आदमी के जहन में कोई सवाल आए कोई ज़रूरी भी नहीं है। जो बात कही गई वो समझ में आ गई, और समझ में आ गई और अमल की हिम्मत कर ली, ये मकसूद है, इस मकसूद का होना काफ़ी है। वैसे असातिज़ा कहते हैं दरसगाहों में कि दो तालिबे इल्म सवाल नहीं करते, एक वो जो बात को पूरी तरह समझ गया है वो सवाल नहीं करता, एक वो जो बात को कुछ भी नहीं समझा है वो भी सवाल नहीं करता। अब वो दरमियान वाला करता है, जो थोड़ा समझा थोड़ा नहीं समझा वो करता है। अपनी औलाद को मोबाइल फोन से दूर रखने के लिए क्या मुमकिन है तदाबीर अख्तियार करें, खुसूस जॉइंट फैमिली में किस तरह की तदाबीर अख्तियार करें? भाई देखो, अगर इंसान एक चीज़ को नुकसान दे मान ले, औलाद के हक में मुजिर और हलाकत फेस मान ले, तो तदबीरें उसे खुद समझ में आती जाएंगी, क्या करूँ क्या करूँ कैसे करूँ, तदबीरें समझ में आएंगी। करते नहीं हैं, पास बच्चे हैं, ऑपरेशन होता है, डॉक्टर उनकी हिदायत करता है, एहतियात के लिए कहता है, बहरहाल सारे घर वाले मिल के किसी तरह एहतियात करते हैं, कराते हैं, उसको कामयाब हो जाते हैं उसके अंदर बहुत चीज़ों में। हम खुद सोचें कि क्या किया जाए। पहली बात तो यह है कि साहब बच्चों को ज़रूरत ही क्या है मोबाइल की, मोबाइल एक ज़रूरत की चीज़ है, इससे बच्चों को क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसे हमने खिलौना बना दिया है। और टेक्नोलॉजी बनाने वाले डेवलप करने वाले उसमें खेलों को ले आए ताकि बच्चे भी इस्तेमाल करें, और ये जितनी टेक्नोलॉजी होती है इसको आवाम के लिए बेहतर से बेहतर लोग इसलिए बनाते हैं कि लोगों का फायदा होगा या नुकसान होगा इससे उनको कोई मतलब नहीं, उनका बिक्री होगी, और ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, दौलत इनके पास आती रहेगी बस, इसीलिए वो हर एक के लिए काबिल कबूल बनाते चले जा रहे कि साहब ये बूढ़ों के लिए भी काबिल कबूल है, बच्चों के लिए भी काबिल कबूल, उसमें कुछ वर्जिशें भी रखती हैं, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम भी रखती हैं, उसके अंदर हर एक ले हर एक के घर में होना चाहिए। क्योंकि हदीस में है कि दज्जाल जब जाहिर होगा तो सारी दुनिया के इंसानों से राबता करेगा, सारी दुनिया के इंसानों से राबता करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। तो अब उसके राबते के लिए राबते का आलेकार भी तो बनना चाहिए, वो आला बना रहे और उसको डेवलप करते जा रहे, और वो जब जाहिर होगा आनन फानन पूरी दुनिया से राबता कर लेगा। तो हम उसके जरर से बचें, बनाने वाला क्यों बना रहा, अब उसको हम रोक तो नहीं सकते, उसमें आपका थोड़ा मफाद है, लेकिन उस थोड़े मफाद के लिए बड़े बड़े मजर्रात को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब लोगों के लिए आसानी हो गई कि अम्मा को रोटी बनाना है, बच्चे को मोबाइल लेके बिठा दिया, अपने काम में लग गए, वो बच्चे मोबाइल लेके आपस में खेल ले रहे हैं, बैठे हुए हैं घंटों, सर में सर जो है दो चार सर झुका के उसके अंदर लगे हुए, सब बेटा भी बेटी भी ये भी वो भी तीन चार जो भी घर में हैं वो सब उसी में लगे हुए हैं पूरी एक सुई से, अब घंटों निकल जाएंगे, इनके सारे काम हो जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद जब अपने काम खत्म हो गए तो वो मोबाइल लेके खुद उसमें मशगूल हो जाएंगे, फिर घंटों निकल जाएंगे, इनको पता नहीं चलेगा कि कैसे वक्त गुजर रहा है, कहाँ जा रहा है वक्त। बहरहाल ये कि घरों का निज़ाम ख़राब हो गया, पूरा सिस्टम फेल कर दिया गया इस फोन के जरिए से, सब देख रहे हैं, सब मान रहे हैं, मान कर भी उससे अपने को बचाना नहीं चाह रहे, ये मान कौन नहीं रहा है, सबको दिख रहा है, सबको नजर आ रहा है कि सब इससे इतना नुकसान हो रहा है, बिनाई खराब हो रही, बनाने को खुद ही बनाया है,
अब खुद ही उनके साइंसदान कह रहे हैं कि ये रिसर्च हुआ है कि आंखें खराब होती हैं, और ये रिसर्च हुआ है कि जल्दी बीनाई खुश्क हो जाती है, और ये है वो जो आंखों में तरावट है वही तो बीनाई का सबब है, वो तरावट जल्दी खुश्क होती है, पानी कम होते जा रहा है आंखों में, ये रोशनी देखते देखते देखते, क्योंकि रोशनी जहरीली है, वो कोई अच्छी रोशनी नहीं है। अल्लाह ने जो आसमान से रोशनी बनाई है ये रोशनी हमारे लिए जहरीली नहीं है, दूर से अल्लाह ने इसको दिया है, इसलिए ज़्यादा नुकसान हमको नहीं होता। और ये जहरीली रोशनी है जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई गई है, जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, अब उसी में आंखें गाड़ के बैठे हुए हैं बच्चे, तो बच्चों की आज़ा तो कौले होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, जल्दी ख़राब होते हैं, हमको कोई परवाह नहीं। आप कोई तदबीर सोचो कि हमारे बच्चे बर्बाद ना हो जाए, अखलाकी बर्बादी आ रही है, जिस्मानी बर्बादी आ रही है, सेहत की बीमारियां पैदा हो रही हैं, नुकसान हो रहे हैं, तालीम खराब हो रही है, हर चीज़ खराब हो रही है। और ये चीज़ तो हम मौलवी लोग थोड़ी कह रहे हैं, आए दिन अखबारों में आर्टिकल आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े माहिरीन लिख रहे हैं कि साहब मोबाइल की वजह से पूरी तालीम ख़त्म हो गई है, तालीम का निज़ाम बर्बाद हो गया है, ख़त्म हो गया। अब लोग कहते थे भाई मोबाइल के ज़रिए से तालीम, अभी देखो हुकूमतों ने शुरू की ऑनलाइन तालीम, और वही लोग 15-20 दिन में एक महीने में ही छोड़ दिए पढ़ाना, इस वास्ते कि उन्होंने देखा हो रहा कुछ भी नहीं, और माँ बाप चिल्ला रहे हैं चीख रहे हैं कि बच्चों की आंखें खराब हो रही, बच्चों को पढ़ रहा, बच्चों को बर्डन हो रहा, बच्चों को ये हो रहा। तो भाई अल्लाह पाक साबित करके बता रहे हैं कि तुम ही अपनी ज़ुबान से कहते हो कि नुकसान दे है, नुकसान दे है, तो पढ़ाई में अगर वो नुकसान दे रहा था तो ये गेमों में और इसमें और उसमें क्या फ़ायदा देने वाला है, इसमें भी तो वही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें नुकसान दे रहा था तो इसमें क्या फ़ायदा देने वाला है। अब रह गया कि कैसे करें, तो कैसे को तो भाई खुद सोचोगे कैसे करें, तदबीर है, अपनी औलाद है, बचाना है, कैसे करें। अगर कई साल से मुलाजमत कर रहा है लेकिन दिल मुतमईन नहीं हो रहा है तो क्या मुलाजमत करना बेहतर है या तिजारत करना, क्यों मुतमईन नहीं हो रहा है भाई, कोई वजह होना चाहिए। दिल मुतमईन खामोखी दिल के पीछे पड़ोगे, एक अल्लाह ताला रोजी हाथ में दिया हुआ है, वो छोड़ के दूसरी करोगे, पता नहीं उसमें हमारे लिए रिस्क मुकद्दर है या नहीं है, एक से काम चल रहा है उसे चलाओ। जिन लोगों को नौकरियां नहीं है वो बेचारे हैरान परेशान है कि किसी तरह नौकरी मिल गई मिल जाए। आपको नौकरी मिली हुई है तो आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तिजारत कर लूँ, तो क्या क्यों मुतमईन नहीं, अगर नाजायज है तो फिर ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करके इसको छोड़ दूँ। लेकिन अगर नाजायज़ नहीं है, आमदनी हलाल है, जायज़ है कानूनी तौर पर शरई तौर पर, फिर आपको क्यों दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा है। हर चीज़ में दिल का मुतमईन होना ज़रूरी नहीं है, अकल से काम लो, अकल से सोचो कि भाई एक अच्छी खासी आमदनी का जरिया है, इसको छोड़ दूँ तो दूसरा जरिया बनेगा कि नहीं बनेगा ये नहीं मालूम, तो ये यकीनी आमदनी है और वो जन्नी और मुभम आमदनी है, तो उसके लिए इसको छोड़ना तो नहीं चाहिए। अब ये है कि मैं हो सकता है कि कम पढ़ रही हो, नहीं काफ़ी हो रही हो, नहीं काफ़ी हो रही है इतनी तो पक्की है ना, कम से कम इसके ज़रिए जो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं उसकी परेशानी तो नहीं है। अब इससे मज़ीद ज़रूरतें पड़ी हुई हैं तो कोई साइड में सोच लो, छोटा मोटा बिजनेस ऐसा कर लो साइड बिजनेस, जिसके ज़रिए से आपकी तकलीफें दूर हो सकें। अगर कोई सफ़र में असर की नमाज बिल्कुल आखिरी वक्त में अदा करे और मगरिब तक वक्त में मगरिब पढ़ के आगे बढ़े तो क्या यह असर की नमाज मकरूह होगी जब वो असर कामिल वक्त में अदा कर सकता है? ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर किसी आदमी को ताखीर हो तो जोहर असर में तो बिल्कुल कोई हरज नहीं है कि उन्हें जमा कर ले और आखिर में कर ले और इसे अव्वल वक्त में कर ले, और मगरिब ईशा में भी कोई हरज नहीं है। रह गई असर की नमाज को मुअख्खर करना, इसको मुअख्खर करने के बजाय अगर आदमी जोहर के साथ इसको मुकद्दम कर ले, दोनों को सूरतन जमा कर ले, हमारे यहाँ अहनाफ के यहाँ सूरतन जमा करने में कोई हरज नहीं। अब रह गई असर की नमाज इतनी मुअख्खर करना,
तो बिला ज़रूरत तो नहीं करना चाहिए, और अगर कोई मजबूरी हो जाए मुसाफिर को कि भाई ऐसी जगह है जहाँ उसको मस्जिद नहीं मिल पा रही है या उसको दुश्वारी हो रही हो, तो ऐसी कोई वजह से अगर वो ऐसे वक्त में नमाज़ पढ़े कि सूरज डूबने का ख़तरा ना हो, उससे पहले पहले पढ़ ले मगरिब की नमाज, और उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करके मगरिब भी पढ़ ले, असर पढ़ के थोड़ा इंतज़ार करके मगरिब भी पढ़ ले अगर वो सफ़र में किसी ऐसी मुश्किल में फंस गया हो, नहीं ऐसी जगह सफ़र कर रहा है जहाँ वक्त पर हमारी नमाजें हो सकती हैं और हमारे सफ़र के प्रोग्राम में ऐसी कोई तंगी भी नहीं है, तब तो बर वक्त नमाज पढ़ते हुए जाना चाहिए, और जमात पाने की कोशिश कर सके तो जमात पाने की कोशिश भी उसको करना चाहिए, नहीं तो साथियों को लेकर जमात कर ले। सूरतन जमा करना यही है, जोहर असर को ऐसे वक्त में पढ़े कि जोहर का आखिरी वक्त है और नमाज जोहर की पढ़ लिया बैठ गया और दो चार पाँच मिनट के वक्फे से असर का शुरू हो गया टाइम, अब असर की नमाज अव्वले वक्त और जोहर की नमाज आखिर वक्त में, ये मुसाफिर के लिए इजाज़त है, इसको जमा सूरी कहते हैं, सूरतन जमा करना, हकीकतन ये जमा नहीं, और दिगर अइम्मा के पास हकीकतन भी जमा कर सकते हैं, फिर जमा तकदीम भी कर सकते हैं ताखीर भी कर सकते हैं, मसलन जोहर पढ़ ली और उसके फौरन बाद असर पढ़ ली उसी जोहर ही के वक्त में, इसी तरीके से मगरिब पढ़ते हैं अरब लोग चूंकि इमाम अहमद के यहाँ गुंजाइश है, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं मुसाफिर है। और मगरिब के फौरन बाद दूसरी इकामत कह के ईशा भी पढ़ लेते हैं हालांकि ईशा का वक्त भी नहीं शुरू होता, इसको जमा तकदीम कहते हैं, लेकिन मगरिब की नमाज को इतना मौखर करे कि ईशा का वक्त शुरू हो जाए और ईशा का वक्त शुरू होने के बाद मगरिब की नमाज पढ़े और ईशा की पढ़े, तो हमारे यहाँ भी इसकी गुंजाइश निकल सकती है। अब एक सूरत 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 वाली है वो ये कि मगरिब को इतनी देर से पढ़ो कि ईशा का वक्त शुरू होने वाला है, शुरू हुआ नहीं शुरू होने वाला है, एक पाँच मिनट दस मिनट पहले रुक गए और मगरिब की नमाज पढ़ ली और एक पाँच सात मिनट इंतज़ार कर लिया, ईशा का टाइम शुरू हो गया फौरन ईशा की नमाज पढ़ ली, तो ये है सूरी, सूरी इसको कहते हैं जमा सूरी, सूरतन जमा हो रही है, हालांकि हकीकतन ये जमा नहीं, हकीकी जमा उसको कहते हैं एक नमाज के वक्त में दोनों नमाजें पढ़ ली जाएँ, ये हकीकी जमा है। और एक सूरत अहनाफ के यहाँ और है वो ये है कि हमारे यहाँ जोहर की नमाज का वक्त अब वक्त बाकी रहता है दो मिसल तक, दो मिसल का मतलब सब समझ में सब आदमियों को नहीं आएगा, उलमा तो समझ जाते हैं और जानते भी हैं मसला, आम आदमी यूँ समझिए कि हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो असर की नमाज का वक्त शुरू है, इब्तिदाए वक्त असर है जिस पर आम तौर से गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस हजरात पढ़ते हैं नमाज, असर की नमाज जिस वक्त पढ़ते हैं, वो बाज़ अइम्मा के नज़दीक असर का वक्त उस पर शुरू होता है, हमारे यहाँ नहीं शुरू होता, उसके बाद भी जोहर का वक्त बाकी रहता है, और जब साया दो मिसल हो जाए किसी भी चीज़ को खड़ा कीजिए तो साया एक मिसल हो जाए तो बाज़ अइम्मा के यहाँ असर का वक्त शुरू हो जाता है, हमारे पास नहीं शुरू होता इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास, जब ये साया उस चीज़ के डबल हो जाए तब जा करके असर का वक्त शुरू होता है, तो कुछ अइम्मा के यहाँ एक मिसल से शुरू हो गया और कुछ के यहाँ दो मिसल के बाद शुरू होता है, तो अहादीस सब के पास है और रिवायात और दलायल मजबूत हैं, सब के पास मजबूत है, इसलिए हमारे यहाँ हमारे अइम्मा ने खुद ये फरमाया है कि ये जो पहला मिसल और दूसरे मिसल के बीच में है ये मुसाफिर और मरीज के लिए दोनों नमाजों का वक्त है, उसमें वो जोहर भी पढ़ ले सकता है असर भी पढ़ ले सकता है, दोनों नमाजें पढ़ना उसके लिए दुरुस्त है, तब मुसाफिर को जल्दी हो तो इससे फ़ायदा उठा ले, ट्रेनें होती हैं बाज़ मरतबा फ्लाइट का वक्त होता है, बाज़ मरतबा बस निकलती है फिर अपने काबू में नहीं रहती, तो इस वजह से अगर ऐसा वक्त में वो ये कर ले कि
एक मिसल और दो मिसल के बीच का जो वक्फा है, इस वक्फे में हम नमाज दोहर भी पढ़ ले, नमाज असर बिला कराहत दोनों नमाजें हो जाए, दोनों नमाजें, तो इससे फायदा उठा सकता है मुसाफिर। बाकी ये है कि बिला वजह ऐसा ना करे, अफजल वक्त में नमाज पढ़ने का एहतमाम करना इकामत सलात में दाखिल है। एक सहाबी जो है वो एक जगह नमाज पढ़ रहे थे, तो घोड़ा उनका कोई देखने वाला नहीं था, कोई जगह नहीं थी बांध दे, तो उन्होंने घोड़े के लगाम अपने हाथ ही में रख ली, अपने हाथ ही में रख करके नमाज शुरू कर दी जी, या कमर में बांध ली, बहरहाल अपने कब्जे में रख के नमाज पढ़ रही थी। अब घोड़ा खामोश तो ठहरता नहीं है, वो चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ते रहता है, वो आगे बढ़ रहा था, ये आहिस्ता आहिस्ता उसके थोड़ा आगे बढ़ने पर थोड़ी देर के बाद ये भी एक कदम आगे बढ़ जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो एक खारिजी था, खारिजी अकीदा रखने वाला शख्स, वो कहने लगा ये है देखो इन लोगों की नमाज, अपने को सहाबी कहते ऐसी नमाज पढ़ते जी। उन्होंने नमाज ख़त्म की और नमाज ख़त्म कर देने के बाद कहा कि ओ बाबा क्या एतराज़ कर रहा था मेरे ऊपर, तूने हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत नहीं इख्तियार की, मैं उनकी सोहबत में रहा हूँ, सफ़र में रहा हूँ, हज़र में रहा हूँ, मैंने उनको इन उमूर में इस कदर तंगी करने वाला नहीं पाया है, तुम्ही लोगों ने तंगियाँ बना दी हैं। तो ऐसा होता है कि बाज़ चीज़ें इतनी तंगी की नहीं सहूलत की है, लेकिन वह हम उसको खुद ही तंगी की समझते हैं। क्या बोल रहे थे, घड़ी घंटे के एतबार से मिसाल के तौर पर अभी वक्त शुरू हो रहा है हमारे यहाँ, मिसाल के तौर पर जोहर का वक्त असर का वक्त कब शुरू हो रहा है, 4:46 पर असर का वक्त शुरू हो रहा है, तो अब आप ये समझो कि 3:46 के बाद यानी एक घंटे का वक्फा है दोनों की तरफ। बाज मौसमों में एक घंटे से कम रहता है, बाज मौसमों में एक घंटा भी रहता है, तो यूँ समझिए कि हमारे यहाँ जो वक्त शुरू हो रहा है असर का, जो कैलेंडरों में इसमें लिखा हुआ है, उससे पहले कम से कम 40 मिनट के दरमियान में मुसाफिर और मरीज दोनों नमाजें पढ़ ले सकते हैं। मरीज को इसलिए कि भाई वो पढ़ लेगा तो यकसू हो जाएगा, आराम कर लेगा, इसलिए वो भी पढ़ ले सकता है। मुसाफिर को इसलिए कि उसकी सफ़र की सहूलत इसमें है, दोनों पढ़ ले सकते हैं। अब जैसे हम लोग हरम शरीफ जाते हैं, हरमैन शरीफैन में वहाँ हाजिर रहते हैं तो नमाजें होती हैं वहाँ पर, एक घंटा पहले ही हमारे हिसाब से असर का वक्त नहीं शुरू होता, लेकिन नमाज असर की अज़ान हो जाती है, जमात भी होती है, तो हमको हुक्म यही है कि भाई आप जमात ना छोड़ें, वहाँ की मस्जिद की जमात कैसे छोड़ें, इसलिए आप वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे और जमात से पढ़ेंगे और नमाज हो जाएगी, अगरचे के वक्त नहीं हुआ इमाम साहब के पास, मगर हो जाएगी। मगर ये सिर्फ असर की नमाज का मसला है, हर नमाज में ऐसी गुंजाइश नहीं है। अब इसमें यह है कि जब वो असर कामिल वक्त में अदा कर सकता था, वो कर सकता था तो करना चाहिए था उसको, उसके लिए थोड़ी है, जिसको ज़रूरत पेश आ जाए उसके लिए गुंजाइश से फ़ायदा उठाने का मौका है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को माँ बाप की खिदमत करने के लिए कहे और बीवी ना करे तो शोहर की नाफरमानी में दाखिल है या नहीं, क्योंकि शोहर अच्छी बात का हुक्म दे रहा है, उसकी इताअत करना वाजिब है। मैंने और उलमा से मालूम किया तो कहते हैं कि माँ बाप की खिदमत करना बीवी के ज़िम्मे लाजिम नहीं, बस अखलाकी फरीजा है। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। जो उलमा ने बात बताई है बात तो सही बताई है, लेकिन समझ में नहीं आ रही ये बात ठीक है। इस वास्ते इसको यूँ समझिए आप कि बीवी को ऐसी चीज़ का हुक्म देना जो उसके ज़िम्मे लाजिम नहीं है, ये खुद हमारे लिए दुरुस्त नहीं है,
अब आपको एक पहलू मालूम है कि आपका हुक्म मानना बीवी के जिम्मे जरूरी है, लेकिन यह पहलू नहीं मालूम है कि जो उसके जिम्मे नहीं है वो उस पर मुसल्लत करना आपके लिए दुरुस्त नहीं है। तो फिर नाफरमानी का इल्जाम भी उसी पर डाल रहे हैं, तो नाफरमानी का इल्जाम उस पर डालना दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये जो उलमा ने कहा कि अखलाकी फरीजा है, एक औरत को समझना चाहिए कि अगर उसका शौहर खुश नहीं रहेगा तो वो कैसे खुशगवार जिंदगी गुजारेगी। इसलिए उसको खुद अपने लिए बेहतर तरीका यही है कि वो अपने ससुराल में मुमकिन हद तक खिदमत करे, इल्ला ये कि भाई बहुत बर्डन पड़ जा रहा हो, या बहुत ज्यादती हो रही हो, या बच्चों को नहीं पाल पा रही हो, या मुश्किलात हो रही हो, या ये कि भाई ऐसी खिदमत है जो उसकी ताकत में नहीं है, उसके लिए मुश्किल है, तो ये सब चीज़ों में तो मना कर सकती है। लेकिन महज काहिली से, सुस्ती से, शान के लिए, अनानियत के लिए, झगड़ों के लिए, ये तो अखलाकी तौर पर बेशक नहीं करना चाहिए औरत को। औरत को ये सोचना चाहिए कि उसे ज़िंदगी शौहर के साथ गुजारनी है, शौहर का दिल अगर खुश नहीं होगा तो वो कैसे खुश रहेगी। वो जब ही खुश रखेगा जब वो बीवी उसको खुश रखेगी, तभी वो खुश रखेगा। तो इसलिए एक मसला तो ये है कि वालिदैन की खिदमत आपके ज़िम्मे है, आपकी बीवी के ज़िम्मे नहीं है। हाँ, अखलाकी तौर पर है, समाज में ऐसा करना सआदतमंदी है, अच्छा समझा जाता है, इसकी तारीफ होती है, दुआएं मिलती हैं, कदर की जाती है, अच्छी बहू समझी जाती है, अखलाकमंद समझी जाती है, ठीक है, तो करना चाहिए उसको, हर मुमकिन करने की कोशिश करे, पर उसका इख्तियार है। आप मजबूर करके कराएं तो आपकी ज्यादती है, इसलिए आप मजबूर करके नहीं करा सकते, बिलखसूस अगर आपकी बीवी माकूल उज्र पेश कर, तब तो उसका ख्याल करना बिल्कुल ज़रूरी है और शरई जिम्मेदारी है कि उसका ख्याल करें। अगर माकूल उज़र पेश कर, माकूल नहीं पेश कर रही है तो आप रिक्वेस्ट कर लो, ऑर्डर नहीं दे सकती। बीवी से उसको समझा लो कि देखो भाई कुछ दिन की बात है, बड़े बूढ़े लोग हैं, खिदमत करेंगे, दुआएं मिल जाएंगी, अल्लाह राजी हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता, आप मेरा हेल्प करो, मदद करो, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे कमाना है, दूसरे काम हैं, इसलिए आप करो तो हमारा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा, हम ज़रूरियात कमाने के लिए चले जाएंगे, हम बाहर के काम देख लेंगे, आप थोड़ा मेरे माँ बाप की मदद कर दो। तो अपनी बीवी को रजामंद कर दो, उसने अखलाक से, ढंग से, तरीके से एक काम उससे ले रहे हो तो कुछ उसको दो भी सरप्राइज। अगर उसको दो कुछ नहीं, सब लो ही लो है, तो फिर लो हो जाएगा हमारा ताल्लुक, जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, समझे। तो इस वास्ते हिकमत अमली से तो हो सकता है, इसमें कोई हरज नहीं, इसमें हम वकालत करते हैं आपकी भी कि बीवी को भी चाहिए कि शोहर के साथ इस मामले में थोड़ा इशार से काम ले और साथ देना चाहिए, इसकी मुखालफत हम नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि अगर वो ना करना चाहे तो हमारा हुक्म देना भी तो ना गैर शरई तरीका है। फिर हम ये कह रहे हैं कि साहब उसको क्या है, नाफरमानी में दाखिल है या नहीं? नाफरमानी में दाखिल नहीं है, क्योंकि कुछ हुकूक उसको दिए गए हैं ना। ये उस वक्त में आप अलल इतलाक सोच सकते हैं जबकि उसका कोई हक ना हो। जब उसको हक दिया गया है, लहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, मारूफ तरीके पर आपके जितने हुकूक बीवी पर हैं उतने ही हुकूक बीवी के आपके ऊपर हैं। तो ये कुरान ने दोनों के हुकूक में दोनों को बराबर किया है, इस वजह से इसका। बहरहाल असल में आजकल जो मुश्किलात पेश आ रही हैं बकसरत, पहले इतनी कसरत से ये मसला नहीं उठता था, सास की खुसर की खिदमत करना लड़कियों की तरफ से, करना नहीं करना क्या है, ये मसला पहले उठता ही नहीं था। वजह उसकी ये थी कि तरबियत इसके मुताबिक थी और समाज में ये सब करना ही पड़ता था, तो हंसी खुशी कर ही लेती थी लड़की। अपने घर से ये तय करके ही निकलती थी कि भाई अब हम जैसे यहाँ अपने माँ बाप की कर रहे हैं, वहाँ जाकर उनके माँ बाप की करना है। अब वो मेरे माँ बाप हो गए हैं, अब ये माँ बाप के साथ
अल्लाह ताला ने रिश्ता ज्यादा मजबूत वो माँ बाप का कर दिया है, लिहाजा मुझे अब जाके वहां देखना है भाई, उनकी देखभाल करना है, उनकी खिदमत करना है। पहले ही से ये ख्यालात के साथ जाती थी बहू घर में, तो किससे ही नहीं पेश आती थी। अब ये है कि साहब तरबियत नाम की कोई चीज नहीं है, बच्चों को कुरान दे देते हैं पढ़ना तक नहीं आता, किताब दे देते हैं गिफ्ट में तो उर्दू नहीं आती, और कोई उर्दू किताब दे देते उसको गिफ्ट में, अब कुछ भी नहीं आता। तरबियत माँ बाप नहीं करते, घरों के अंदर बेटियां हैं करके उन लोगों के बद अखलाकियाँ बर्दाश्त करते रहते हैं। फिर इसके बाद यह इतनी सरफिरी हो जाती है कि वह जाके ना शोहर की सुनती है, ना बड़ों की सुनती है, ना किसी की भी नहीं सुनती। ऐसा होता है आमतौर से, इस वजह से होता है कि घरों में तरबियत सही ढंग से करना चाहिए। लोगों ने कहा कि साहब वो भेजती जबर तो बिल्कुल बोगस किताबें, वो नहीं पढ़ना चाहता, हालांकि उसको पढ़ के तरबियतें हुई थी और लोगों के घरों में सुकून आया था, तो वो थी किताब वो भी हटा दिया आपने, अब क्या पढ़ो? तो साहब कुरान हदीस पढ़ो। कुरान हदीस ना खुद को समझ में आती है, ना सामने वाले को समझाना आता है, कुछ भी नहीं आता, तो क्या होगा सिवाय दो चार मसलों में झगड़े करने के, और कुछ नहीं सिखाया लोगों को। तरबियत करो, औलाद की तरबियत करो, बेटियों की तरबियत करो, खिदमत का जज्बा पैदा करो, दुआएं लेने का मिजाज बनाओ। करती हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बेटियां ऐसी हैं कौम की के जिन्होंने अपनी जात पर दुख उठा के अपने बाल बच्चों की तरबियत करते हुए भी अपने ससुराल के बड़ों बुजुर्गों की इतनी खिदमत की कि उनकी दुआएं और उनकी हमदर्दियां उनको हासिल हो गई। ऐसा है तो करने वाले करते, जिसको अल्लाह तौफीक दे दे। बाकी भाई जहां तक मसले की बात है, अगर वो ये कहती है कि मैं नहीं करती तो आप उसके जिम्मे है भी नहीं, उसके जिम्मे है भी नहीं। हाँ अगर वो शोहर की खिदमत में कोताही करे तो जिम्मेदार होगी, पर ये भी मालूम होना चाहिए कि शोहर की भी खिदमत के हुदूद है, उतनी ही जिम्मेदारी है उसकी, उससे ज्यादा उसकी जिम्मेदारी नहीं। हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है अच्छे घरानों में, अच्छे महजब खानदानों में, तो वो अखलाकियाती तौर पर अच्छा हो रहा है। बाकी कानून की बात करो तो कानून अपनी बोली बोलता है, अपनी जुबान बोलता है, वो कानून से कभी मोहब्बत नहीं पैदा होती, कानून से दूरियां ही पैदा होती। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास केसेस आते रहते थे, वो अमीरुल मोमिनीन थे, उनके बारे में हदीस में है कि किसी समझदार आदमी को बुलाते थे कि भाई इधर आओ, ये दोनों को साइड में ले जाओ, वहाँ बिठा के समझा दो और सुलह करा दो, कंप्रोमाइज करा दो। क्यों? कंप्रोमाइज में जो बात तय होगी वो चूंकि दोनों की रजामंदी से हुई है तो ना अदावत बाकी रहेगी, ना उसके बाद झगड़ा बाकी रहेगा, सब साथ में खत्म हो जाएगा। अब मेरे सामने आएगा मसला तो मजबूरी में लाओ, पहले वो कोशिश कर लो, नहीं मानने को नहीं है तो लाओ मेरे सामने, मैं 1-2 कर दूंगा। जो शरीयत का तरीका है बहुत आसान है इस्लाम में फैसले करना, वो ये है कि जो मुद्दई है उससे कहा जाएगा गवाह लाओ, अगर वो गवाह लाए तो उसके हक में फैसला, और अगर वो गवाह नहीं ला सके तो मुद्दा अलैह से जिसके खिलाफ केस है उसको कहा जाएगा कसम खाओ कि ये झूठ बोल रहा है, अगर वो कसम खा ले उसके हक में फैसला खत्म। ये 3 करोड़ केसेस को जो है 20 बरस तक उठा के रखने की कोई जरूरत नहीं है इस्लाम में, वहाँ फौरी फैसला हो जाता है, फिसला खत्म जो भी हो। अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल-यमीनु अला मन अनकरा, बस 2 जुमले हैं, 2 जुमलों में इस्लाम का निज़ाम कज़ा बना हुआ है पूरा, बस इसी में कायम खत्म। अब एक बात और कि भाई ऐसा करने में तो बहुत से लोग धोखाबाजी कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बात और फरमा दी कि देखो भाई कोई भी आदमी अपनी बात खूब अच्छी कह सकता हो और एक और आदमी है जो अपनी बात सीधे से बोल नहीं सकता हो, तो हो सकता है कि मैं इसके हक में फैसला कर दूं और अल्लाह के नज़दीक इसका हक होगा वो, तो ऐसा हो सकता है इस दुनिया में। मगर याद रखना कि ये फाइनल जजमेंट नहीं है, फाइनल मरने के बाद अल्लाह के सामने होने वाला है, और उस वक्त में साहब हक को हक दिलाया जाएगा और तेरे नाहक वसूल करने की सजा भी मिलेगी।
समझ लेना, अगर तुम अपनी अच्छी बातों से अपने भाई का माल या अपने भाई की चीज को अपने लिए फैसला करवा लिए हो, तो तुम यहां से जमीन लेके नहीं जा रहे हो, घर लेके नहीं जा रहे हो, माल लेके नहीं जा रहे हो, बल्कि दोजख की आग का टुकड़ा लेके जा रहे हो। ये बात हुजूर ने बता दी। अब इसको सुनने के बाद कौन धोखाबाजी करेगा साहब? जो गवाह होगा वो भी सच्चा गवाह होगा, जो कसम खाएगा वो भी सच्ची कसम खाएगा, ऐसा है। मैं एक मस्जिद में इमाम था, लोगों ने मेरे बच्चे पर तोहमत लगाकर वहां से खिदमत छोड़ने पर मजबूर किया। अब मैं दूसरी मस्जिद में इमामत कर रहा हूँ, तो तोहमत लगाने वाले अब मुझसे मिलते हैं और उनके बच्चे मेरे पास तालीम हासिल करते हैं, तो मेरा दिल उनसे मिलने को नहीं चाहता, मेरे दिल में उनकी अदावत पल रही है, अब मैं उसे कैसे ख़त्म करूँ, क्योंकि उनके मिलने से पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं। तो जब तोहमत लगाने वाले आपसे मिल रहे हैं और दीन सीखना चाह रहे हैं, तो दीन सीखा दो। जो उन्होंने गलती की है कभी उनको समझ में आ जाएगी, जब समझ में आ जाएगी तो शर्मिंदा नादिम हो जाएंगे। बहरहाल ये बात जहन में रखना चाहिए। आप माशाल्लाह पेश इमाम साहब हैं, तो पेश इमाम साहब नबी की जगह पे खड़े होते हैं और नबी के कायम मुकाम होते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिफत को अपनी जुबान से अपनी सुन्नत कह करके हमारे सामने पेश किए। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने के दो मोंढों पर हाथ रखा और बड़े प्यार से फरमाया कि प्यारे बेटे, अगर तुमसे हो सके तो तुम इस तरह जिंदगी गुजारा करो। उन्होंने कहा किस तरह? तो फरमाया लैस फी कल्बिका विश्वन लिअहद, तेरे दिल में किसी का कीना ना हो, किसी की तरफ से मैल ना हो, किसी की तरफ से गिल गिश वगैरह वगैरह, अरबी में 7-8 नाम से उसकी तर्जमा लिखी जाती, कुछ भी तुम्हारे दिल में ना हो, बिल्कुल पाक साफ रख दो। और मुल्ला अली कारी तो इसकी शरह में और वसअत में चले गए। उन्होंने कहा लैसा फी कल्बिका गश्शुन लिअहदिन ला लिमुमिनिन वला लिकाफिरिन, तो किसी से मत रखो, क्यों दिल में पाले हम किसी से, मालूम है बहरहाल ये मुशरिक है, अल्लाह का बाबी है, बस छोड़ छोड़ो खत्म इसे, अब हमारे दिल में कीड़े की क्या जरूरत है। तो ऐसे ही आप भी कीजिए और अपने दिल को उनकी तरफ से साफ कर लीजिए। उन्होंने दिल दुखाया है, आप उनका दिल खुश कर दीजिए। हजरत प्रताप गढ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सदमा व आलाम से जिसने किया दिल को पाश पाश, अहमद ने उसको भी तहे दिल से दुआ दी। बस अहमद कहकर हुजूर अलैहिस्सलाम की तर्जमानी भी कर दी और अपना मामूल भी बता दिया, क्योंकि उनका नाम मोहम्मद अहमद है, अपना मामूल भी बता दिया। और ये बहुत सताया गया था, वो जिस गांव में रहते थे वहां बिदअतियों ने उनको जीना मुश्किल कर दिया था, इतना सताया था। तो उन्होंने कहा कि जिसने हमारे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, उनके लिए भी हम दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं, क्योंकि हम नबी के वारिस हैं, वो नबी के वारिस को नबी की तरह जिंदगी गुजारना चाहिए। और ये भी देखो जहन में रखो, ये अदावतें ये बग्ज पालेंगे ना तो पलेंगे, जितना पलेंगे उतना हमारे चैन सुकून को गारत कर दे। एक दफा किस्सा क्लियर कर दो, निकाल के फेंक दो, चैन से रहोगा, आराम से रहो, किस्से खत्म करो, लेकिन जब तक वो किस्सा लगा रहेगा, उम्र भर लगा रहेगा, तो उम्र भर बेचैन ही रहेंगे, चैन नहीं रहेगा, न रातों में सुकून न दिल में, जब ख्याल आ गया, जब तसव्वुर आ गया, तकलीफ शुरू, उस तकलीफ से नींद हराम, उस तकलीफ से खाना जहर, उस तकलीफ से खुशियां मुतासिर, क्या फायदा है? मुझे रात को नींद ना आने की शिकायत है और सुबह फजर के वक्त उठने में भी दुश्वारी होती है। जो असबाब हो सकते हैं, फितरी असबाब, जल्दी सोने के उसको इख्तियार कर ले जा, और अगर फिर भी किसी आरिज़े और बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा हो, तो
तो माजूर है वो, क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला उसको माफ़ करेगा। हमारा दखल नहीं होना चाहिए सुबह को उठने में, न उठ सकने में हमारा दखल नहीं होना चाहिए। हमारी हर तदबीर हो चुकी, हम हर कोशिश कर रहे हैं और इसके बावजूद ऐसा काबू नहीं पा रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें, माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाले हैं। 11 साल की बच्ची और 6 साल का बच्चा है, मैं उनकी तरबियत कैसे करूँ और अहलिया कैसे करें तरबियत? तो पहले दोनों मियाँ बीवी मिल करके अपनी तरबियत करें, और जब हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे तो हमारे बच्चों को ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादातर वो खुद से सीख लेंगे हम लोगों से, क्योंकि घर में उनके सर पे साया है माँ का है बाप का। अब माँ बाप अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं, यानी काना अबू हुमा सालिहा, वालिदैन नेक हों बच्चे नेक होंगे इंशाल्लाह, ज़ाया नहीं होंगे। अब थोड़ा थोड़ा सिखाना भी पड़ता है, वक्तन फवक्तन हर बात को सुन्नत के हवाले से सिखाया, बेटा ये सुन्नत है, बेटा ये काम ऐसे करना सुन्नत है, ये छोटी छोटी बातों में सिखाया जा सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिखा कर उनके तरीके सिखाते जाएँ, अखलाक में टोकें, मोहब्बत से टोकें, झिड़कना और तजलील के साथ नसीहत करना। याद रखो ना छोटे को मौत मुतासिर करती है ना बड़े को मुतासिर करती है। बीवी की तजलील के साथ नसीहत करोगे झगड़े हो जाएगा घर में, फितना खड़ा हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को भी अगर उन्हें हकीर करके नसीहत करोगे तो इंसान फितरी तौर पर अपनी आबरू का हक रखता है। 3 हक अल्लाह ने सब किसी को दे रखे हैं अपने बंदों को, इल्ला बिहक इस्लाम, एक जान का हक, माल का हक, इज्जत का हक, सबको हासिल है। इस्लाम ही अगर इसके खिलाफ कोई सजा दे रहा है तो दे सकता है, बाकी आपस में कोई किसी की इज्जत आबरू और जान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना माल को, ना इज्जत को, ना जान, कोई किसी की जान माल और आबरू को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मोमिन के जान माल और आबरू को दूसरे पर हराम कर दिया, वो इसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो वह जो छोटा बच्चा है वो बच्चा भी तो एक इंसान है, उसकी आबरू की भी रियायत करना हमारी जिम्मेदारी। इसलिए बच्चों को हमेशा मोहब्बत से नसीहत, मोहब्बत से नसीहत करने का फायदा होता है, इसका नफा होता है, और बच्चे इसका असर जल्दी कबूल करते हैं और नेक बनते हैं मोहब्बत से नसीहत। हम लोगों की गलती यही होती है कि हम मोहब्बत से नहीं कह पाते, जब मोहब्बत से नहीं कह पाते, हाँ तरबियत के जाब्ते से कभी कभी डांटना भी पड़ता है, सख्ती भी है, सजा की भी इजाज़त है, लेकिन उसमें भी बस इसका ख्याल महफूज रखा जाए कि सामने वाला ये महसूस करे कि ये अदराहे हमदर्दी हो रहा है, अपना गुस्सा निकालने को नहीं पीट रहे बाबा, ये उसको समझ में आना। ये है आसान काम, ये है हम लोग अच्छी जिंदगी गुजारें, हमारे बच्चे खुद बहुत अच्छे बनते जाएंगे, थोड़ा बहुत उनकी गाइडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत बताते रहना पड़ेगा, वो वक्तन फवक्तन बताते रहें, इंशाल्लाह ज़रूर तरबियत होगी और अच्छी तरबियत। अगर मैं रमज़ान का पूरा महीना आपकी सोहबत में रहूँ अपनी इस्लाह के लिए तो क्या ये मुमकिन है? तो नामुमकिन तो नहीं, लेकिन अपना सब बायोडाटा बताना पड़ेगा, कौन है, क्या है, किधर है, जिम्मेदारियाँ क्या है, फुला क्या है, सबको कहाँ तभी बीए को छोड़ दे के आ जाएंगे, तो ये सब नहीं हो सकता। पर दीन सीखने के लिए आना है तो दीन की अहकाम की रोशनी में आना, तो सब तफसील बता के आपका आना मुनासिब है, इतने दिन घर से अलहदा होना मुनासिब है तो इजाज़त मिलेगी, नहीं मुनासिब है तो इजाज़त नहीं मिलेगी। तकब्बुर की ज़िद तवाज़ो है, तो उज्ब यानी खुद पसंदी की ज़िद क्या है? खुद पसंदी की ज़िद भी तवाज़ो ही है, इसलिए कि तकब्बुर और उज्ब जो है वो जुड़वा भाई है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। तवाज़ो ही है कि आदमी बार बार ये सोचे कि भाई कैसी तारीफ, किसकी तारीफ, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए,
बस इसको सोचता है, सब तारीफें अल्लाह की, लिहाजा उसकी तारीफ के बजाय अपनी तारीफ का ख्याल कैसे आ जाए। तो ये अपने दिल को समझाता रहे, उससे तवाज़ो पैदा हो जाती है आदमी। खुदराई और खुद पसंदी दोनों एक ही हैं या अलग अलग? अगर कोई फर्क हो तो बराए मेहरबानी बताएं। खुदराई का मतलब यह है कि अपनी राय पर चलना, जो अपनी राय है उसको तरजीह देना, इसको कहते हैं खुद राय। और खुद पसंदी ये कहते हैं अपने कामों को अच्छा समझना, अपने आप को अच्छा समझना, अपनी सिफतों को अच्छा समझना। अपनी शक्ल देख ली तो समझो मैं सबसे हसीन तो मैं ही हूँ, नमाज पढ़ ली तो समझो दुनिया में ऐसा कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, कोई अच्छा सा काम हो गया अल्लाह की तौफीक से तो ख्याल किया कि मैं हूँ तो कर लिया, कोई दूसरा कर सकता है क्या? ये खुद पसंदी है, अपने आप को ही अपने को समझते जाओ, अपने आप को, कोई दूसरा अंदर नजर ही नहीं आता इसको, सब हुस्न जवान अपने में ही दिखाई देता है, सब दीनी एतबार से, ज़ाहिरी एतबार से, हर एतबार से। ये खुद पसंदी है। अब खुद पसंदी मालिक चीज़ है, नुकसान पैदा करती है, तकब्बुर तक ले जाती है और फिर मुतकब्बिर बना देती है उसको। हाँ, अल्लाह ने कोई अपने अंदर अच्छाई दी है, कमाल दिया है, नजर आ जाए तो शुक्रिया अदा कर लो कि अल्लाह तेरा करम है कि आपने ये नेमत मुझे दी है, आपका करम है, फिर शुक्र करोगे तो नेमत बढ़ेगी, इजाफा होगा। लेकिन उसे मुरुस्ते रहोगे तो हो सकता है छीन ले अल्लाह ताला के पास। इसलिए हदीस है बुखारी शरीफ में कि एक आदमी जा रहा था और फख्र की वजह से शान बगाड़ते हुए वो चादर पीछे तक लंबी लड़ाता हुआ जा रहा था, जैसा बहुत मालदार आदमी है, इनको कपड़े की कोई परवाह नहीं, ऐसे लड़ाता हुआ जा रहा था बनी इसराइल में, तो जमीन ने उसको निगल लिया। तो रूए जमीन पर खुद पसंदी क्या है, शान बगाड़ना क्या चीज़ है, अपने कमालात पे नजर करना क्या चीज़ है, अल्लाह को इतना गुस्सा आता है कि जमीन उसको निगल भी सकती है। तो लेकिन आप हम ये सोचें कि इस ज़माने में अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की किसी अपने ऐसे फस्ख और मस्ख के अज़ाबों के ज़रिए इस उम्मत की अल्लाह ताला जो है ज़िल्लत का इरादा नहीं फरमा रहा है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रियायत में और उनके लिहाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ये फरमाया है कि लक़द करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज़्ज़त दे रखी है और उम्मत मुहम्मदिया को तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रखी है। लेकिन अगर इस दुनिया में नहीं होगा तो ये नहीं समझना चाहिए कि आखिरत में नहीं होगा, आखिरत में तो बराबर इसका मुआवजा होगा और बराबर इसका सवाल अल्लाह ताला के पास होगा। तो खुद राय और खुद पसंदी में दोनों के अंदर ये है, तो हमें खुद राय से भी बचना चाहिए और खुद पसंदी से भी बचना चाहिए। हज़रत महीउस्सुन्ना रहमतुल्लाह अलैह अक्सर इस पर खफा होती थी, बस खुद राय खुद राय खुद राय आम मर्ज हो गया है, बस अपनी चलाओ। बंदा बरसों से आप हज़रत वाला मंतज़िलों से बैत किया हुआ है, यौमिया मामूलात के पर्चे में जो हिदायात हैं उनमें से कुछ पर अमल नहीं हो रहा है। बंदा मदर्रिस है और शाम को थक जाता हूँ, ईशा के बाद खा कर सो जाता हूँ, अलिफ लाम मीम सजदा सूरतुल मुल्क की तिलावत नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि मैं जब किसी को गलती करता हूँ तो उसकी इत्तला शेख को देना है इस्लाह के लिए, मगर मैं खुद आपकी नसीहतों को याद करके दुरुस्त हो जाता हूँ, ऐसा दुरुस्त है या इत्तला करना ज़रूरी है? ये एक सवाल है, इसमें कई सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है कि भाई मामूलात में बास चीज़ों पे अमल नहीं हो रहा है, बास चीज़ों पे हो रहा है, बास चीज़ों पे नहीं हो रहा है, तो बास को तो मैं याद रख के जवाब नहीं दे सकता, इसलिए किस चीज़ पे नहीं हो रहा है आप बराह रास्त इत्तला करें कि भाई ये नहीं हो रहा मेरे से, ये नहीं हो रहा, और उसका तरीक़ा पूछ लें, अगर हो जाए हो जाए, या फिर कोई दूसरा अमल बताया जा सकता है या उस अमल को रोक भी दिया जा सकता है। अपने अहवाल की रोशनी में आप खुद रुजू कर लीजिए, आप खुद रुजू करके जो अमल नहीं हो रहा है उसके बारे में मालूम कीजिए, मालूम करके उसकी इस्लाह कर लीजिए।
और मदरस हैं बेशक, वो भी बहुत बड़ा काम है, इबादत है, उसमें हम लगे हुए हैं, थक जाते हैं, तो ईशा के बाद खाकर सो जाता हूँ। ईशा से पहले पढ़ लीजिए, इसी वक्त पढ़ लीजिए, ये सूरतें पढ़ने में अपना फ़ायदा है ना, इससे अपनी आखिरत का फ़ायदा है और कब्र के अजाब से हिफाजत है। ये सब चीज़ें हैं, इसके हम मोहताज हैं ना। इतना हम थक रहे हैं इस दुनिया की राहत के वास्ते, आखिरत के लिए भी कुछ थके हैं, तो जब हम सोचेंगे कि भाई वहाँ भी तो हमें ज़रूरत है राहत की, लिहाजा वहाँ की राहत का सामान भी करना चाहिए, तो इसको करिए, हिम्मत करने से काम होता है। बहुत बंदे हैं अल्लाह की इससे कहीं ज़्यादा तिलावत करके सोते हैं, अगर हम उनको देखें तो इसी वजह से कहते हैं कि भाई बड़ों की जिंदगियों को बार बार पढ़ते रहो, मुताला करते रहो, उससे हमारे लिए उस वक्त एक हिम्मत आती है, ताकत आती है कि साहब उन्होंने इतना किया था तो हम इतना तो करें कम से कम, तो कुछ तो निकल जाती है गाड़ी इसी की बरकत से। और कोई गलती करते हैं तो अगर आपको तनब्बो हो जाता है और उसके बाद उसकी इसलाह की और तलाफी की तौफीक हो जाती है तो बहुत अच्छा है, तो मकसद तो यही है। लेकिन अगर महसूस कर रहे हों कि साहब ये बार बार होता जा रहा है, तो फिर इत्तला करके उसका हल निकालिए, उसका हल मालूम कर लीजिए कि भाई कैसे इसका इलाज किया जाए। हाँ, एक आध मरतबा कभी आदमी से कोई गलती हुई और अपने को शेख की नसीहतें भी याद आ गई, कुरान हदीस की बातें भी याद आ गई और फिर उसने तलाफी कर ली, बहुत अच्छा है। मकसद तो यही है कि हमारी बुराइयाँ बाकी न रहें, तलाफी होती रहे और उसकी माफ़ी होती रहे, यही मकसद है। बाज दफ़े नफ्स जो है बहुत अपने मक्कारी की वजह से नहीं इत्तला करने देता कि कहीं शेख जो है मुझे समझेंगे कि मैं भी ऐसी गलतियाँ करता हूँ तो मेरा मकाम गिर जाएगा, इसलिए मक्कारी करता है नफ्स। तो वो समझ लो खुद ही कि ऐसा ऐसा तो नहीं हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो मुकाबला करो उसका। रिश्तेदार की खातून का वो बेवा हो चुकी है और खुफिया तौर पर शादी करना चाहती है, तो देख लो कि जिससे शादी करना चाहती है वो मुसलमान है और अकीदा उसका सही है या नहीं है। अगर है तो आप ही लोग बड़े बन करके करवा दो, इस वास्ते कि दौर ऐसा है कि इस दौर में अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो सबको जलील करके वही करके बैठेंगे, तो वो जिल्लतें उठाने के बजाय इज्जत से काम कर दो। बस इतना देख लो कि भाई दो चीज़ें हुजूर ने फरमाई थी, दो चीज़ें देख लो कि भाई अकीदे सही है नहीं, कम से कम मुसलमान तो हो भाई, मुसलमान हो, नमाज पढ़ लेता हो, इतना तो हो, तो इसको देख लो। फिर भी आजकल ऐसा है कि जब लड़कियां किसी से राबता बनाने में कामयाब हो जाती हैं तो फिर उनको बहुत मुश्किल है कि आप उसको उससे अलहदा कर सकें, बहुत मुश्किल। ऐसा क्यों हुआ बेवा को? भाई बेवा थी, जल्द से जल्द फिक्र करते सब लोग मिलके, थोड़े दिनों के बाद खुद ही तरजीह देते उसको, बार बार समझाते भाई अब इद्दत गुजर गई है, अब आपको निकाह कर लेना चाहिए, आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, हदीस में ये फजीलत आई है, हदीस में ये फजीलत आई है, उसको बताना चाहिए ये नहीं, और हदीस में ये भी फजीलत आई है कि अगर बच्चे हों और कोई औरत उन बच्चों की खातिर से अब परेशानी ना करे कि मेरे बच्चों को कोई परेशान हाल नहीं होगा या ना इंसाफी की जाएगी या उन्हें मोहब्बत से महरूम कर दिया जाएगा या मैं दूसरी तरफ मशगूल हो जाऊंगी तो ये बच्चों को मैं वो ममता नहीं दे सकूंगी, अगर इस जज्बे से कोई औरत अब्देसानी ना करके अपने बच्चों ही की परवरिश करे उसके लिए बहुत बड़े अजर का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया है। मगर ये जब है ना, जबकि औरतों को ये बातें मालूम हो, अहादीस मालूम हो, फजीलतें मालूम हो, तब हमारी औरतें तो बिल्कुल जाहिल हैं। अब बड़े मर्द लोग घर के बेवा के निकाह की फिक्र नहीं करते, बेवा की निकाह की फिक्र नहीं करते तो वो लोग कहीं भी जो है रास्ते निकालते हैं। और ये बात याद रखना चाहिए कि औरत जब तक अनब्याही है, चाहे अभी कुंवारी हो और चाहे शादी होकर मुतल्लका हो गई या बेवा हो गई, औरत का जोड़ नहीं है, रिश्ता ज़ौज उसका शौहर अगर नहीं है, तो ऐसी औरत जो है वो हमेशा बुरी नीयत वालों के जद में रहती है, खानदान में हो
या ख़ानदान के बाहर हो या कहीं भी हो, हमेशा ऐसी औरत बुरी नीयत वालों की जद में रहती है और उसकी आबरू का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कि एक औरत अपने शौहर के ज़ौजियत, अपने ज़ौज की ज़ौजियत के ग़ार में पनाह ली हुई होती है। अगर उस पनाहगाह से बाहर आ गई तो फिर इस्तशरफ़ हश्शैतान, शैतान उसको उचक लेता है, कहीं से भी उचक लेता है, किसी तरीके से भी उचक लेता है। तो इस वजह से इस ज़माने में माहौल अच्छा नहीं है और हालात को हमने ही बिगाड़ लिया है। और अब बेटियों में वो हया नहीं रही, औरतों में जो हया कभी उनको पूरी पूरी उम्र शोहर की याद में गुजारी। हमने सुकूत हैदराबाद की तारीख में पढ़ा था, एक खातून इधर मराठवाड़े ही की एक गाँव की थी, तकसीम में उसके शोहर शादी के 2-3 महीने भी नहीं हुए थे वो तकसीम हो गई। वो तकसीम में वो पता नहीं कहाँ चला गया, बहरहाल मफकूदुल खबर हो गया। इसको लोग कहते रहे कि भाई अब पता नहीं, अब पता नहीं, अब आएगा नहीं आएगा, पाकिस्तान चले गया या मार दिए, ख़त्म हो गया, है नहीं है, कुछ नहीं पता है। उलमा से मसला भी मालूम कर लिया, सब कर लिया, सब कर लिया, लेकिन वो लड़की, वो दुल्हन हमेशा यही कहती थी कि नहीं, मेरे मियाँ आएंगे, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी, मेरे मियाँ आएंगे, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी, ये कहती थी। और कहते 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 ये जो वाक़या लिखा है लिखने वाले साहब ने, उन्होंने लिखा कि अब वो दुल्हन करीब 70 बरस की हो गई है, लेकिन वो इंतज़ार करती है कि मेरे मियाँ आएंगे, अब पूरी खुददारी से, हयादारी से और पूरी हिफाजत से अपने आप को शोहर की अमानत समझ कर रखी हुई है कि भाई मैं मेरे शोहर की अमानत हूँ। इसलिए तो कभी ऐसा था जाहिल गांव की देहाती औरत भी इस कदर बाहया और गैरतमंद और अपने शोहरों के लिए जीने वाले थे। अब एक ऐसे दौर में हम लोग हैं अपनी शामत आमाल से शोहर है और फिर भी दूसरों से ताल्लुक है, शोहर है उसको खबर ही नहीं है, उसको बेखबर रखकर शादीशुदा औरत दूसरों से ताल्लुक है, ऐसे ऐसे हालात। एक साहब ने बताया कि मुमानी है, बच्चों वाली हैं, वो शादी वाली हैं, बहुत अरसे के बाद कहीं किसी मैयत में मुलाकात हो गई, उन्होंने वहाँ देख लिया, वहाँ नंबर ले लिया, ये नौजवान गैर शादीशुदा, अब इसके साथ जो है डांडे मिला रही हैं, अपना काम फोन पे चला रही, बेजार हो गया वो, बेजार होकर के फिर मैं आके मशवरा करने लगा, फिर मैंने उसको खैर तरीका बताया, समझाया, शादीशुदा मुमानी बच्चे रखकर शोहर रखकर अब किसी और से ताल्लुकात बना रही है, और ताल्लुकात बनाने के लिए नंबर भी कहाँ लिए, एक मौता में, जनाजे में, ऐसे हालात होते हैं। और एक जगह में गुस्ल देने के लिए गया तो एक जनाजे को, जब सेहत अच्छी थी तो जहाँ मालूम होता वहाँ चले जाते थे, जाकर गुस्ल देते थे, जनाजे नहलाते थे, कफनाते थे, तो एक जनाजे को गुस्ल देने के लिए पानी वानी गर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिसका जनाजा है उसकी बहन, उसका आशना इधर से आ रहा, उधर से आ रहा, इधर से आ रहा, घर में भाई की लाश रखी हुई है, वो अपने आशना के साथ जो है इशारे किनाए और माँ आशिफी चल रही है, उन लोगों की हद हो जाती है इस जमाने में, इस कदर बात बढ़ जाती है। तो भाई देखो बेहतर ये है कि आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ के शादी करा देना चाहिए ताकि हलाल और जायज़ बाइज्जत तरीके पर उनका कुछ मामला हल हो जाए, वरना ज़बरदस्ती करके रोक रोक के जोड़ जोड़ के रखना दिल आखिर पूरे ख़ानदान की जिल्लत का सबब है। हमारे हज़रत मुहीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को एक वाक़े का पता चला जब हम पढ़ते थे कि करीब के किसी गांव में एक ऐसा वाक़या पेश आ गया, गलत काम हो गया किसी से, दोनों मुसलमान,
حضرت کو اطلاع ملی, حضرت نے اپنی اس وقت میں ایک جیپ کار تھی حضرت کے پاس, گاڑی نکلوائی, ڈرائیور کو بلایا, ایک دو صاحب لوگوں کو ایک دو صحابین کو ساتھ میں لے گئے, اس گاؤں میں پہنچے, لڑکی والوں سے بات کی, لڑکے والوں سے بات کی اور دونوں کو سمجھا بجھا کر ان دونوں کا نکاح کر کے تشریف لائی واپس. یہاں ہم لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ایسا کیسا کیسا کر لیتا ہوں, کیسا کر لیتی ہوں, یہ کیسا کرتے, دیکھ لیں گے, وہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے, بولتے اس کے بعد ناک کٹ جاتی تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے کیا دیکھ سکتی ہیں. ارے اگر آپ کچھ قابل ہوتے تو آپ کے گھر میں یہ حادثہ ہوتا ہی نہیں, ہوا ہماری نالائکی سے. اب اس کے بعد اب شان بگاڑنے کا کیا فائدہ ہے, اب تو جو آبرو ہے اسی کو بچاؤ, اسی کی عزت رکھ لو, یہی سمجھداری کا طریقہ ہے. اور یہ مجبوری بھی ہے انسان کی, کیا کرے, ایک عورت جو شادی شدہ ہے اور شادی شدہ زندگی کا اسے تجربہ ہو چکا ہے, وہ نہیں رہ سکتی بغیر شوہر کے. اس لیے بڑے فکر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنا راستہ خود نہیں پاتے, مجبوری ہے, کیا اس پر ہم کچھ زیادہ اس کو بھی برا بھلا کیا بولیں, کیسے بولیں بھائی, وہ ایک نفسانی بھوک ہے, بھوک ہے, اس بھوک کو کیسے مٹائیں گے, سوچنا چاہیے نا ہمیں. البتہ یہ ضرور کریں کہ وہ خفیہ نہ کر لے, نکاح علانیہ کرنے کا حکم ہے, کوئی بڑا بن جائے گا, سرپرست بن جائے گا تو وہ علانیہ کرنے بھی تیار ہو جائے گا, تو علانیہ طور پر کیا جائے. اور وہ کہتی ہے کہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہوں, پہلے کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ, جب جنت میں جائے گی انشاءاللہ مجھے پتا چل جائے گا اس کے ساتھ. مختلف باتیں اس سلسلے میں علماء نے لکھی. جو بیوی شوہر کے ساتھ زیادہ وفا کی ہوگی وہ اس کو مل جائے گی, یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ خود ہی اس کا فیصلہ فرمائیں گے, یا یہ کہ وہ جس کو پسند کرے وہ اس کو مل جائے گی, جو بھی ہوگا. میرے گھر میں فاتحہ وغیرہ بدعت ہوتے ہیں, میرا ذہن ویسا نہیں, میری صحیح رہبری فرمائے تو اہم نوازش ہوگی. گھر میں صحیح بات سمجھانا چاہتا ہوں تو کیسے سمجھاؤں. تو ایک تو اپنا حد تک کوشش کریں کہ ہم بدعت خرافات سے بچے رہیں, کیونکہ اگر آپ گھر میں اپنا اثر رکھتے ہیں تب تو اس کے لیے کوشش کرنی, اور اگر گھر میں اپنی حیثیت بالکل چھوٹے کی جس کو اہمیت نہیں دی جاتی ہو, اگر ہماری ایسی حیثیت ہے تو ہم حتی المقدور اپنے آپ کو بچا لیں, کوئی خاص مشکل پیش آئے تو علماء سے مشورہ کر لیں اور اپنے کو بچاتے رہیں. ارادہ یہ رکھیں جب اللہ تعالیٰ مجھے خود مختار بنائے گا تو میں بدعات پہ نہیں چلوں گا بلکہ سنتوں پہ چلوں گا, اور اپنے چھوٹوں اور اپنے ماتحتوں کو سنت کے مطابق چلاؤں گا, اس کا ارادہ رکھیں, کیونکہ بڑوں کو چھوٹا جھکا نہیں سکتا, مجبور نہیں کر سکتا. البتہ بہت سے گھروں میں بڑے سمجھدار ہیں, سیدھے سادھے بولی والی ماں ہیں, بولے والے لوگ ہیں, اگر چھوٹے بچے ان کو محبت سے, طریقے سے, ادب سے سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اور سمجھ کر اصلاح کرتے ہیں. ایسے حالات ہیں تو کوشش کرو اصلاح, اور اگر ضدی قسم کے لوگ ہیں تو پھر اللہ سے دعا کا اہتمام رکھو, انہیں زیادہ چھیڑو مت, انہیں کچھ مت کہو. میں بیعت کرنا چاہتا ہوں مگر آپ مجلس سے جانے کے بعد کچھ دن ہی صحیح عمل کرتا ہوں, پھر گناہ ہو جاتا ہے, پھر وہی حال ہوتا ہے. مجھے ڈر ہے کہ میں بیعت کرنے کے بعد بھی ایسا ہی کروں گا, تو
तो एक तो बदगुमानी मत रखो अपने आप से, ये इरादा करो कि बैत हो रहा ही इसलिए हो कि पुरानी वाली हालत को बदल दूंगा, इसीलिए तो हो रहे हैं। तो जब इसीलिए हो रहे हैं तो अल्लाह से उम्मीद भी रखो, अपना आज़्म भी पुख्ता रखो कि फिर मैं ऐसी हालत इसके बाद वाली हालत में फ़र्क कर दूँगा, इसके बाद वाली हालत इससे अच्छी हो जाएगी, इसका इरादा रखो, दुआ करो, कोशिश करो। बाकी भाई न तुम जमानत ले सकते हो ना हम जमानत ले सकते हैं, नफ्स व शैतान सब पे बैठे हुए हैं, कोशिश करना अपना काम है। बैत होने के बाद ऐसा नहीं है कि साहब आप बैत होने के बाद अब कोई गुनाह करेंगे तो वो बैत बाकी नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बैत तो इसलिए है कि किल्लत हो जाए, गुनाहों में कमी हो जाए, जिंदगी अच्छी से अच्छी बनती जाए, धीरे धीरे बनेगी भाई, इकट्ठे थोड़ी बनेगी। किसी के हाथ में हाथ देंगे और वो कहेगा कि मैं तौबा करता हूँ तो अब इसके बाद फिर गुनाह नहीं करेगा, तो ऐसी कोई तो बैत होती भी नहीं, ऐसी कोई अहद है। फिर सहाबा को देखो कि सहाबा किराम ने जब बैतें की हैं तो उम्र भर उसका लिहाज रखा, ध्यान रखा, उसी नस्बत से हम ये तबर्रुक हासिल करते हैं, ऐसी कुव्वत हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हम फिर ना करें ऐसे काम, ऐसी कुव्वत हम अपने अंदर पैदा करें। पैदा करने का इरादा होता है। साहब इकराम ने कहा हुजूर अलैहि सलाम ने किसी से सवाल ना करना, तो ऊंट की नुकेल गिर गई तो वो भी नहीं मांगा किसी से, बिठा के ऊंट को खुद ही उठा लिया, कहा कहीं सवाल ना हो जाए, सवाल के खिलाफ वर्जी ना हो जाए। ऐसे हाथ हुजूर अलैहि सलाम के हाथ में हाथ दिया था, उस हाथ की भी इज्जत खुद करते थे कि ये हाथ नबी के हाथ से मसूह है, इसलिए उस हाथ की इज्जत करते थे। ऐसा जज्बा इन चीजों को बचाता था, याद दहानी कराता था और इसी चीज पर वो कायम रहते थे। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई डर मुझे ये है कि मैं तो जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा तो होता रहेगा भाई। अरे उससे तो है कुश्ती उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले, ऐसे चल रहे वाला किस्सा है, खत्म होने वाला नहीं है। हाँ इतना जरूर होता है कि तालिब सादिक को अल्लाह ताला गालिब कर देता है अच्छे कामों पर, लेकिन अगर आप ये सोचो कि कभी नहीं होगा गलत काम, तो जाहिर है ये तो इंसान से मुश्किल है। हजरत जी मैं छोटा मोटा कारोबार करता हूँ, कभी ऐसा होता है कि नमाज के वक्त कस्टमर आ जाते हैं, मैं उनको काम उनका काम करने तक मेरे एक दो रकत छूट जाते हैं। बहरहाल ऐसे मौके पर जो भी होता है, हिम्मत तो ये करो कि उनसे ये कहो कि भाई देखो नमाज खड़ी हो रही है जमात, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, तो अगर आप ऐसी हिम्मत करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो कस्टमर नहीं जाएगा, वो जाएगा अल्लाह दस भेजेगा। तो हिम्मत करना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई अब जमात का वक्त है, हम लोगों की इबादत का टाइम, मैं अभी नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, आप ठहर सकते हैं ठहरिए, आगे जा सकते हैं चले जाइए, इख्तियार दे के चले जाओ, तो इसका फ़ायदा होता है। देवबंद में साहब असली घी बेचते थे, धोखा कभी नहीं देते थे, हमेशा ठीक बात करते थे, सही तोलते थे, इन चीज़ों में उनकी शोहरत हो गई थी। गाँव से लोग आते थे बाजार के दिन तो सारी घी लेने वालों की भीड़ इनके पास होती थी, और इनका मामला ऐसा था कि अगर ये कस्टमर के लिए माल तोलने को उठा के घी का डब्बा तराजू में रखे हों और अजान की आवाज़ आई तो वो वैसे ही रख करके नमाज के लिए चले जाते थे, और कस्टमर से बोलते थे कि भाई तू ठहर सकता है तो ठहर, जाना चाहे तो चला जाए दूसरी दुकान से कहीं से ले ले, मैं तो अब आगे नहीं रुक, मुझे मेरे अल्लाह ने बुला लिया है, मैं पहले उधर जाऊंगा उनकी बात सुन के आऊंगा, तो वो चला जाता था। तो उनके हालात में लिखा है कि अगर उनको नमाज पढ़ के आने में आधा घंटा भी लग जाए तो एक कस्टमर भी नहीं जाता, सब उनका ही इंतज़ार करते थे, वही बैठ जाते थे दुकान के सामने और इंतज़ार करते रहते थे कि जब वो आए तो उन्हीं से लेना है। तो देखो दो चीज़ों की बरकत है,
ایک تو یہ کہ اپنی روزی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا کہ بھئی دینے والے تو اللہ ہیں، نماز چھوڑ کے بھی دیں گے، نماز پڑھ کے بھی دیں گے، دینا ان کو ہے، اور طے کر دی انہوں نے روزی ماں کے پیٹ میں، اس لیے اب مجھے نماز چھوڑ کے کر لے کے کیا فائدہ ہے، نماز پڑھ کے لے لیں گے، تو اس لیے وہ تو اس کی پرواہ نہیں کرتا، ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ اپنی صفتیں کاروبار میں کچھ ایسی ہیں، دیانت کی، امانت کی، سچ بولنے کی، کسی کو دھوکہ نہیں دینے کی، کہ وہ چیز مجبور کرتی ہے کسٹمر کو کہ اسی سے لے، دوسرے کے پاس جا کے کیا تجربہ کریں گے، پتہ نہیں کون کیا نقصان کر دے گا، یہ صاحب نقصان نہیں کرتے، لہذا ان سے لے، تو دونوں چیزیں ہمارے اندر ہوں تو پھر انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکلت فی رزقی علی اللہ خالقی وایقنت ان اللہ لا شک رازقی فما یکم من رزقی فلیس یفوتنی ولو کان فی قاع البحار الغوامق سیأتی به اللہ الکریم بفضلہ ولو لم یکن منی اللسان بناطقی، کبھی مانگا بھی نہ ہو تو بھی اگر میرے مقدر میں اللہ نے رکھا ہے تو لا کے دے گا، سمندر کی تہ میں ہے تو بھی اللہ نکال کے لا کے ہمیں دے گا، میں نے اس معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے، میرا یقین ہے کہ وہ میرا رازق ہے، یہی سب کا ہونا چاہیے، یہ ایک امام شافعی کا یقین نہیں، ہر مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے۔ نصیحت فرمائیے، بڑا کرم ہوگا، تو یہ تو نصیحت ہے تو کر ہی رہا ہوں، مسلسل کر رہا ہوں، ان سب کو محفوظ رکھو، حتی المقدور عمل کی کوشش کرو، 100% تو کوئی نہیں کرتا، 100% کرنے کا ارادہ رکھو، جتنا ہو جائے اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ پاک کی محبت کیسے پیدا ہو، اور کیا مطلب ہے، محبت کیسے کی جاتی ہے، اشد محبت، اللہ پاک کی اشد محبت کیسے کی جا سکتی ہے اللہ پاک سے، اشد محبت کا مطلب یہ ہے اللہ کے انعامات کو سوچنا، اس کے احسانات کو غور کرنا، ہم ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر کیسے کیسے احسانات ہیں، ایک تو احسانات ہیں جو انگنت بے شمار ہیں، دوسری یہ کہ ہماری محتاجی ایک پل جھپکنے کے بقدر بھی ختم نہیں ہوتی، ہر دم ہر لمحہ اس کے محتاج ہیں، جس کے ہم اتنے محتاج ہیں اس کی محبت ہمیں کتنی ہونی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کے احسان کو سوچو، احسانات سے محبت پیدا ہوتی ہے، احسانات کے تصور سے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے احسانات کو قرآن میں پڑھو، حدیث میں پڑھو، یا اپنی زندگی کے جتنے احسانات ہیں ان کو بار 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 غور کرو، کیسے پیارے اللہ ہیں، کیسے میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا، جب اس کا استحضار رکھیں گے یہ محبت اشد ہو جائے گی، بد نظری سے دل کا ستیاناش ہو رہا ہے، ہمت کرتا ہوں ہار جاتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، یہ تو ٹھیک ہے کہ بد نظری سے دل ستیاناش ہو جاتا ہے، یہ سب کا ہی ہوتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، البتہ ہمت کر رہا ہوں ہار جا رہا ہوں، تو ہارتے رہو مگر ہمت کرنا مت چھوڑو، ہمت کرتے رہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ سوچ کر کے کہ بھائی اب ہمیشہ ہی ہارتا ہوں، اب کر کے بھی کیا فائدہ ہے، ایسا کبھی نہ سوچو، یہ بہت بڑا نقصان ہے، ہارتے رہو پھر بھی ہمت کرتے رہو، پھر کرتے رہو، پھر کرتے رہو، اب اس سے بڑھ کے ہو کیا آسان راستہ ہمارا ہو سکتا ہے، کرتے رہو، کبھی مایوس مت ہو، مایوس مایوس مت ہو اے دل دستے دعا اٹھا کر، کبھی اللہ سے مایوس مت ہو، ہمت رکھو، ہمت باندھے رکھو، آج کل پرسوں جس دن ہماری موت آئے گی اگر اس دن بھی ہم کامیاب ہو گئے تو کامیاب ہو گئے، پریشان مت ہو، مگر یہ طے کرو کہ جیتنا ہے مرنے سے پہلے، بس اس کو طے کر کے رہو، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، ہمارے ارادے کو اللہ تعالیٰ بیکار نہیں کرے گا، بس ہمت نہ ہارو،
मायूस मत हो जाओ, मायूसी को करीब आने मत दो। दूसरों के मुतालक बदगुमान बहुत जल्दी हो जाता हूँ, इलाज बताइए। बस जब बदगुमानी आए दहन में तो हुस्न जन कर लो, उसी का इसका हल यही है। बदगुमानी गलत ख्याल आए तो कहोगे नहीं नहीं तुझे क्या पता, ऐसा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि शेख उल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक साहब का जिक्र आया, वो हजरत से असल बात आके मजलिस में मिलने का वादा किए थे, आए नहीं, इंतजार था हजरत को। तो हजरत बार बार पूछते थे भाई फला साहब आए नहीं अभी, अभी तक आए नहीं। तो एक साहब वहाँ बैठे हुए थे, कहने लगे कि हजरत अब उलमा का भी यह हाल हो गया है, वादा करते हैं और उसका कोई ख्याल नहीं करते, ऐसे नहीं था। तो शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यही एक बात क्यों सोची आपने कि वादा करके वादा खिलाफी की है, ऐसा क्यों नहीं सोचा कि कोई अचानक ज़रूरत पेश आ गई होगी इस वजह से नहीं आए, ऐसा क्यों नहीं सोचा कि निकल गए थे होंगे रास्ते में कोई ठोकर लग गई होगी, कोई हादसा हुआ होगा इसलिए नहीं आ सके होंगे, ऐसा क्यों नहीं सोचा कि उनकी सवारी ख़राब हो गई होगी और इस वजह से यहाँ नहीं पहुँच सके होंगे, ऐसा क्यों नहीं सोचा कि उनकी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई होगी दवाखाने ले गए होंगे। तो फरमाया 10-20 उस वक्त हजरत काजी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे 8-10 हजरत ने अच्छे गुमान गिनाए और फरमाया इसमें से सब नहीं सोच के वही एक क्यों सोचा कि उलमा भी वादा खिलाफी करते हैं, वही एक क्यों सोचा। तो जो बुराई थी जहन बुराई की तरफ पहले ले जाता है, तो अगर वो पहले बुराई की तरफ ले गया तो भी तुम उसको रिजेक्ट कर दो, अच्छे अच्छे गुमान करके उसे ख़त्म कर दो, भी हो सकता है, भी हो सकता है, भी हो सकता है, यही उसका इलाज है। हमारे घर वाले और तुगरल ड्रामा देखने के आदि हो गए, मैं क्या करूँ, आप मत देखो, उनको देखते रहें तुम छोड़ दे। अल्लाह वाले कौन होते हैं, जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाए, अल्लज़ीन इज़ा रूहु ज़िक्रल्लाह, जिसको देखो तो अल्लाह याद आओ, जिनकी बातें सुने तो अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, उसकी खशियत हमारे दिल में पैदा होती हो, जिसकी सोहबत में हमें अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने का शौक पैदा होता हो, दुनिया की हकारत जहन में आती हो, ये अलामतें हैं, इन अलामतों से ज़ाहिरी तौर पर समझो। और हकीकत में कौन है वो अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता। मुहद्दिक़ीन, उलमा, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन के हालात पर किताब का नाम बताइए। अलग अलग होते हैं, इमाम बुखारी के हालात लिखे हुए, इमाम मुस्लिम के, बास किताबें ऐसी होती हैं जिन किताबों के अंदर थोड़ा थोड़ा सबका जिक्र होता है, तो ऐसी किताबें देख लो, अपनी बस्ती करीब में किसी आलिम से पूछो, इंशाल्लाह बता देंगे, तो पढ़ो। आमतुल मुस्लिमीन की इस्लाह के लिए क्या करना चाहिए, अपने बिसात में जितना हो करना चाहिए और हर एक को करना चाहिए, कोई भी ये ना समझे कि मैं अपनी देख लूँ काफ़ी है, ये उम्मत अपनी देखने से नहीं काम चलेगी। उलमा फरमाते हैं कि तमाम उम्मतें वो उनके नबी उस उम्मत की तरफ, पूरी उम्मत की तरफ मबरूस किए गए थे, और इस उम्मत की खसूसियत यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम की तरफ मबऊस किए गए थे, जो अरब जिनके सामने आप हैं उनकी तरफ मबऊस किए गए थे, और वो लोग बकिया उम्मत की तरफ मबऊस किए गए। तो सहाबा ताबईन की तरफ, ताबईन तबे ताबईन की तरफ मबऊस किए गए, ऐसे होते 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 हम लोग भी अपने ज़माने के लोगों की तरफ मबऊस किए गए अल्लाह ताला की तरफ से। एक सहाबी गए एक बादशाह के दरबार में, तो उसने कहा कि आपको किसने भेजा है, किसके हुक्म से आए हो यहाँ पर। उन्होंने कहा अल्लाहु इब्तअसना, हमें अल्लाह ने मबऊस किया है, अल्लाह ने हमें मबरूस किया है, अल्लाह हु इब्तअसना, काहे के लिए मबरूस किया है,
لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کا بندہ بنانے کے لیے ہمیں اللہ نے مبعوث کیا ہے. اور مذاہب کے تعدد سے اسلام کی وحدت میں لانے کے لیے مبعوث کیا ہے, اور دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعتوں میں لے جانے کے لیے مبعوث کیا ہے. تو ہم اس کام کے لیے مبعوث ہیں. لوگ دنیا میں, اس چھوٹی سی دنیا میں الجھے ہوئے ہیں, جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ ہی میں سب کچھ سمجھ رہا تھا, باہر نکلا تو پتا چلا کہ وہ اتنی بڑی دنیا بھی ہوتی ہے, اسے باہر آنے کے بعد پتا چلا, ورنہ اسی میں مگن خوش تھا. نکالا گیا تو رو رہا تھا, یہاں سے کیوں نکالا مجھے, لیکن جب باہر آیا تو پتا چلا کہ وہ اتنی بڑی دنیا ہے. لیکن یہ بھی ماں کے پیٹ کی طرح آخرت کے مقابلے میں ایک محدود اور اندھیری دنیا ہے. تو دنیا کی تنگی سے من ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ, آخرت کی وسعتوں میں لے کے جانا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے کہاں اس میں الجھ کے رہ گئے ہو بھائی, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا, یہ وطن نہیں ہے, یہ سمجھانا ہے لوگوں کو, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, آخرت بہت بڑی دنیا ہے. ایک مومن کو اس کائنات کے 10 گنا بڑی آخرت ملنے والی ہے معمولی مسلمان کو, اور اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کی تو ہم تصور نہیں کر سکتے. تو تنگی سے دنیا کی وسعت آخرت کی طرف لے جانا ہے. اور مذاہب کے انتشار سے نکالنا ہے اور اسلام میں اس کو لانا ہے, کیونکہ وہ سچا مذہب واحد اسلام ہے, اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی سکھانا ہے. یہ کام کس کو کرنا ہے؟ ہر مومن کو کرنا ہے. کس نے یہ کام آپ کے ذمے کیا ہے؟ اللہ ابتعثنا, اللہ نے آپ کے ذمے یہ کام کیا ہے, بواسطۂ نبی کے, اپنے نبی کے واسطے سے ہمارے ذمے یہ کام کیا ہے, اس لیے ہم اس کام کو کرنے کے پابند ہیں. اب اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو کیا کر سکتے ہیں وہ کرو, آپ تاجر ہیں تو کیا کر سکتے ہیں وہ کرو, اپنی مشغولیت اور اپنی مصروفیت بتا کر مشورہ کر کے اپنا لیے خدمت خلق کا کوئی راستہ نکالو. مسلمانوں کی خدمت کیسے کریں, اصلاح کیسے کریں, اس کا راستہ نکالو. غفلت کا علاج کیا ہے؟ تو غفلت کا علاج جو ہے غفلت کو ختم کر دینا ہے, بس یہی. غفلت کیا ہے؟ بے فکری کو ختم کرو, فکر مند بن جاؤ. اور مدد چاہتے ہو تو مدد اس سے حاصل کرو کہ آخرت ایک دن آنے والی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, حساب دینا ہے. جب حساب دینا ہے تو کام کرنا ہے, اور جو کام بے فکر نہیں کر سکتا, کام فکر مند ہی کر سکتا ہے, لہذا فکر اپنے اندر پیدا کرو. کیسے کرو؟ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ الحمدللہ, ہر نعمت پر الحمدللہ کہو, یہ شکر لسانی ہے. اور شکر عملی یہ ہے, اس نعمت دینے والے کی نافرمانی مت کرو, اس کی فرما برداری کرو, یہ عملی نہیں شکر ہے. دونوں شکر کرتے رہے. ایک عورت کو طلاق ہو گئی یا خلا ہو گیا, پھر دوبارہ شادی نہیں ہوئی, تو جنت میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ ایک سوال ہے, لیکن ساحل سے میں پوچھتا ہوں, اس سے اپنی اصلاح سے کیا تعلق؟ ہم بیٹھے ہیں 3 دن یہاں پر اپنی اصلاح کی فکریں کرنے کے بعد, اس کا ہماری اصلاح سے کیا تعلق؟ نفس و شیطان غیر ضروری سوالات ہمارے ذہن میں پیدا کرتے ہیں. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, یہ ہمارے ایمان سے تعلق ہے, نہ عقیدے سے تعلق ہے, نہ اس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے. ایسے سوالات نہ کریے, وہ سوالات کیجئے جس سے ہماری اصلاح ہو, ہمارے اخلاق درست ہوں, ہمارے اعمال صحیح ہوں, ہم اللہ کے پیارے بنیں, کیسے بنیں, اس کے لیے سوال کریے.
ये भी ऐसे ही फजूल किस्म का सवाल है। अल्लाह ना करे कोई शख्स जन्नत में ना जाए तो उसकी बीवी का क्या होगा, अगर उसकी बीवी जन्नती है तो जन्नत में जाएगी, वो भी दोजखी है तो दोजख में जाएगी। सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देना बताएं किसको, मुर्दों को, तो उसके लिए भी एक कैंप रखे जा रहे हैं जगह जगह जहाँ सिखाया जा रहा है सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करना, गुस्ल देना। और अभी उसके तो बाद हमारे नौजवान उलमा ने माशाल्लाह से बिल्कुल किताब व सुन्नत को सामने रखकर गुस्ल के तरीके की वीडियो भी बना करके अपलोड कर दिए, आप उसको देख लें, उससे सीख लेंगे तरीका गुस्ल किसी को देना है, और आना चाहिए हर शख्स को। मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मेरा मकान मेरी माँ के मकान से 1 किलोमीटर दूर पर है, मेरी माँ और मेरी अहलिया के दरमियान बातचीत बिल्कुल ख़त्म है, मेरी अहलिया बात करने की कोशिश नहीं, दोनों में छोटी छोटी बात पर ना इत्तेफाकियाँ पैदा हो जाती हैं, फिर कई कई दिन बात बंद हो जाती है। खैर उनको तो समझाते रहो कि कत्ते ताल्लुक बहुत बड़ा गुनाह है और उसको उसकी मजम्मत उसकी बुराई ऐसे वक्त में मत बताओ जिस वक्त में झगड़ा हो रहा हो, बल्कि ऐसे वक्त में बताओ जिस वक्त में बीवी आपसे खुश हो और आपने उस पर कोई एहसान किया हो और वो खुश हो, तो ऐसे मौके के ऊपर अच्छे मौके पर बात निकाल करके समझाओ उसको। और बोलते हैं तो बोलने में झगड़ा होता है तो लिख के दे दो, बोलने में बहस शुरू हो जाती है तो अच्छे से लिख के दे दो प्यार से मोहब्बत से कि ऐसा करना हमारी आखिरत के लिए नुकसानदेह है। मैं किसी अपनी गरज से नहीं बोल रहा हूँ, अपनी आखिरत हमारी भी बन जाए आपकी भी बन जाए, ऐसे समझा के बोलो, कभी तो अल्लाह की बंदी मांगेगी ईमान वाली है, पर माने ना माने आप अपने वालिदा की खिदमत करते रहें, उनके पास जाएं, उनके अच्छे बुरे को देखें, जिस कदर मुमकिन है उनकी खिदमत करें, बीवी को समझाते रहें मुनासिब मौके पर। मौके हम लोग मुनासिब नहीं देखते तो गड़बड़ हो जाती है, मुनासिब मौके पर समझाते रहें। अब तौफीक अल्लाह के हाथ में है, क्या कर सकते हैं। दुआ मांगो, दुआ सबसे बड़ी ताकत है, इस ताकत से अपने आप को फ़ायदा उठाने की कोशिश।